नमस्कार दोस्तों नमस्कार 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 आप सभी का अभिनंदन जो आज आप सभी लोगों का जो आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत अच्छा लगता है आप सभी को यहाँ पर देखकर कर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे इवेंट्स का एक ऐसे सत्रों का आप भाग बने और अकेले ही नहीं बल्कि अपनी टीम के साथ और ये बहुत जरूरी है कि आप ऐसे समारोह में अपनी टीम के साथ मौजूद हो मुझे माफ कीजिएगा मुझे मेरी गूंज वापस आ रही है तो मैं एक क्षण मुझे दीजिए तो आपसे पूछना चाहूंगी कि आप मुझे ठीक प्रकार से सुन पा रहे हैं तो अब शायद ये ठीक है तो चलिए आइए एक बार फिर से शुरू करते हैं और दोस्तों मैं आप लोगों के दस देख पा रही हूं चैट के अंदर और कोई ये लिख रहा है कि कि मेरा जो कक्ष है वो काफी खाली है तो इसीलिए आवाज रह रह कर गूंज रही है तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ा सा धीरे बोलूं ताकि आप मुझे अच्छे से सुन पाए तो मैं देख पा रही हूं कि बहुत से लोग जो हैं वो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अच्छा बताइए मुझे आप में से कौन है जो पहली बार इस सत्र का हिस्सा बना है या वही लोग आज हमारे साथ दोबारा से मौजूद हैं जो कि इस परियोजना को लेकर उत्सुक हैं और उत्साहित हैं तो मैं यहाँ पर एक व्यक्ति को देख पा रही हूँ तो पहली बार आए हैं और दस दबाए यदि आपने पहले भी इवोसेंट का वेबिनार आपने उसमें हिस्सा लिया है तो इससे मुझे पता चलेगा कि कौन से नए लोग हैं और कौन से अभी हमारे साथ पुराने साथी हैं तो आज के वेबिनार में बहुत सारी जानकारियां मैं लेकर आई हूं तो कुछ बदलाव होंगे लेकिन कुछ अद्यतिक जानकारी आपको दी जाएगी तो हमारे पास चार नए लोग हैं जो कि जो कि इटालियन कक्ष में हैं स्पेनिश कक्ष में बताइए हमारा जो वेबिनार है वो बारह भाषाओं में उसका अनुवाद हो रहा है तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो हैं काफी कार्य करें और मिलकर काम करें तो हमारा हमारे जो अनुवादक हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एक ऐसी टीम भी है जो कि सामग्री बनाती है डिजाइन बनाती है तो आप लोग अपने लीडर्स को जरूर बताएं इस बारे में क्योंकि अगर ये कक्ष खाली रहेंगे तो दुर्भाग्य से हम लोगों को भाषाओं को बंद करना पड़ेगा और इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम लोग अपने साथ पचास लोगों को लेकर आए और नवंबर में जो नवंबर है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण महीना है ताकि हम निर्णय ले सकें निर्णय ले पाए कि कौन सी भाषाएं जो है जो जिसमें हमारे वेबिनार्स का अनुवाद किया जाएगा तो यदि आप अगर फ्रांस में हैं, यूएई में हैं, वियतनाम में हैं तो अपने सहभागियों को निमंत्रण दें और इसीलिए ये जरूरी है कि आप जो हैं जानकारी को हमारे मुख से सुने श्री मुख से सुने ताकि आप उस जानकारी को सही रूप से अपनी संरचना में अपने दोस्तों में प्रसारित कर पाएं तो अब मैं यहां पर जानना चाहूंगी आपका आज का उद्देश्य क्या है इस सत्र में जुड़ने का आपने शायद इवोसेंट के बारे में सुना होगा और आपने ये सोचा होगा कि शायद ये एक अतिरिक्त आय की एक अच्छी एक अच्छा मौका हो सकता है या फिर आपने इवो रिच का एक विज्ञापन देखा होगा और आपने सोचा होगा कि ये इवोसेंट क्या है ये तो मुझे पता नहीं है या फिर आपने इवोसेंट को एक अलग उपकरण के रूप में देखा होगा जो कि हमारी कंपनी के पास एक ग्लोबल यानी कि वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का हिस्सा है तो आप मुझे एक शब्द में लिखकर बताइए कि आपका उद्देश्य क्या है कि आप इस सत्र के साथ जुड़े हैं इस वेबिनार के साथ जुड़े हैं तो कोई लिख रहा है कि मैं यहाँ पर जानना चाहता हूं कि की प्रस्तुति कैसे बनाई जाती है कोई और उद्देश्य कोई और उद्देश्य आपके आपके पास जो इससे भिन्न हो तो यहाँ पर एक कक्ष से आता हुआ कि उद्देश्य ये है कि वो सबसे बेहतर रणनीति जान पाए इस परियोजना के लिए कोई जानना चाहता है इत्रों के बारे में तो कोई जान कोई चाहता है कि उसको अतिरिक्त आय प्राप्त हो अपने शिक्षा के लिए तो अब यहाँ पर हम लोग आज इवोसेंट के बारे में बहुत विस्तार से बात करेंगे और साथ ही साथ मैं आपसे एक सर्वेक्षण चाहूंगी आप मुझे अपने देश का नाम लिखकर बताइए चैट के अंदर तो हमारे जो हमारा जो अंग्रेजी कक्ष है वहां पर लोग ऑस्ट्रेलिया यूके भारत और लातविया तो जब आप लिखते हैं कि आप कौन से देश से हैं तो तो लोग जो है ये देखते हैं कि जो आपके जो साथ के जो लोग हैं वो ये देखते हैं कि अरे यहाँ पर और कौन है जो लैटविया से है या और कौन है जो भारत से है और कौन है जो लै जो जो कि जर्मनी से है तो मैं यहाँ पर स्पेनिश कक्ष में रिपब्लिक ऑफ मोलदोवा देख पा रही हूँ और जब आप अपने देश से किसी व्यक्ति को इस समारोह के अंदर देखते हैं तो आप नेटवर्किंग करने की कोशिश करते हैं और इसीलिए जब कोई व्यक्ति अकेला होता है तो शायद वो उसको इतनी प्रेरणा नहीं मिल पाती क्योंकि उसको डेटा की शायद कमी होती है या वो हमेशा कभी ना कभी कुछ समर्थन चाहता है तो वहां पर उसको उसके देश का कोई नहीं मिल पाता तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज और भी बताऊं कि यदि आप समूह में सामूहिक तौर पर कुछ सीखने की कोशिश करते हैं तो वाकई में आपका जो, जो जो आपका सीखने का स्तर होता है वो बहुत बढ़ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि लोग जो है भारत से हैं मोलदोवा से हैं रूस से हैं जर्मनी से हैं यूके से हैं तो यानी कि हमारी कंपनी की जो जानकारी है वो वाकई में 170 देशों में प्रसारित हो रही है तो आपको मालूम है कि बहुत शीघ्र जो हम लोग सेंट के कुछ समूह को इकट्ठा करेंगे जहां पर हम लोग बात करेंगे अपने आला इत्रों के बारे में और मुझे लगता है कि ये काफी बहुत महान कार्य होगा क्योंकि ये विलासता से परिपूर्ण होगा और हम लोग आपको कुछ प्रस्तुति भी देंगे जहाँ पर जो महिलाएं हैं वो अपनी शाम की पोशाकें और जो पुरुष हैं वो एक बहुत ही बढ़िया सूट पहनेंगे और वो हमें इस इवोसेंट के बारे में बताएंगे ये तो एक विलासता से परिपूर्ण दुनिया है और ये आपका दृष्टिकोण बदल देती है मुझे बहुत अच्छा लगता था अपने दोस्तों से मिलना और मैं यहाँ पर दुबई में मैं अपने कुछ महिला मित्रों से मिली हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पर मैं सपने देख रही हूँ कि हम लोग कुछ ऐसे समूह को इकट्ठा करें जहां पर वैश्विक स्तर के ऊपर महिलाएं एक जगह पर इकट्ठी होंगी और हम लोग अपने रहस्यों को एक दूसरे के साथ साझा करेंगे और शायद इत्र जो है वो एक पूरे के पूरे आ, उस बैठक का एक मुख्य सूत्र हो सकता है मेरा नाम गैलिना जुकोवा है मैं लातविया से आई हूं लेकिन मैं लंदन में रहती हूं और मैं लंदन में मैं पंद्रह साल तक रही हूं और अब मैं दुबई में रह रही हूं और मुझे आशा है कि हम लोग थोड़ा सा यहां ज्यादा रुकेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पर लक्ष्य जो है वो इवोसेंट को विकसित करना है और मैं वेबिनार्स का जो जो ऑनलाइन और ऑफलाइन वेबिनार्स या कुछ समारोह होते हैं ईवरेज के तो हमारा विभाग उसकी भी पूरी की पूरी तैयारी करता है सामग्री की तैयारी करता है तो इसीलिए मैं समन्वयक हूँ स्पेनिश देश की मैं एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और मैं एम की प्रतिभागी भी हूं साथ ही साथ मैंने एम 260 में भी भाग लिया है और मेरा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य ये है कि मैं मैं न्यू का कार्यान्वयन करना चाहती हूं तो मैं चाहती हूं कि जब हम लोग उस स्तर पर पहुंच जाएं जहां पर हमारा जो हमारा लक्ष्य है और ये वो लक्ष्य है कि जहां पर जो भी हमारे इवरेज के सदस्य हैं, वो तीस प्रतिशत वैश्विक बाजार के सहभागी बन सके एक सहमालिक बन सके और मुझे तो ये लगता है कि हम लोग केवल इस दुनिया के अंदर इसलिए पैदा नहीं हुए हैं कि हम लोग केवल आए अपने बिलों का भुगतान करें और उसके बाद चले जाएं, जी नहीं हमारा दर्शन शास्त्र कुछ और है हम रचनात्मक तरीके से आ, तरीके से अपने सपनों को देखना चाहते हैं बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि सपने कैसे देखते हैं और कई लोग ये विश्वास करते हैं या कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब आप सपने देखना शुरू करते हैं तो लोग आपको पागल समझते हैं और यहाँ पर मैं आपको बता सकती हूँ कि जो लोग जिन्होंने हिम्मत रखी कि वो अपने सपनों को देख पाए अपने सपनों को कदे कभी भी ना ना उसको उसको छोड़ें तो उन्होंने अपनी परियोजनाओं को पूरा किया है उनकी परियोजनाएं क्या हो सकती हैं उनकी परियोजनाएं हो सकती हैं वो उत्पाद जिनका हम लोग रोज इस्तेमाल करते हैं ऐसी जगह जहां पर हम जाकर सेल्फीज लेते हैं स्वचित्र लेते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर रचनात्मकता जो है वो नंबर एक के ऊपर होगी रोबोनो रोबोटिक्स जो है वो भी अग्रसर हो रही है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि रोबोटिक्स जो है वो वाकई बेकार चीज है बहुत ही दुविधापूर्ण चीज है क्यों क्योंकि ये हमारे नौकरियां हमसे छीन रही है और देखिए दोस्तों आप जो आपके पास मौके होते हैं शिक्षा प्राप्त करने के शिक्षा से आप नई चीजें जान पाते हैं और आने वाले समय में आज आपके पास ऐसे ऐसे मौके मौजूद हैं जो कि पहले कभी भी नहीं थे पहले लोग जो थे वो वो फैक्ट्रीज में काम करते थे खेतों पे काम करते थे और वो जैसे कि रूस में एक कहावत है कि आप जो हैं इतनी मेहनत कीजिए जैसे घोड़े मेहनत करते हैं लेकिन रोबोट्स आपसे ज्यादा मेहनत कर सकते हैं तो इसीलिए अब हम लोगों को ऐसा कुछ ढूंढने की जरूरत है जहां पर हम लोग अपने आप को प्रेरित कर सके जहां पर हम लोग हर रोज सुबह उठे और कहें वह आज क्या दिन है और जब आप सोने लगे तो आप अपने आप से कहें वह क्या दिन था आज मैं थक गया और आज कितनी नई चीजें सीखने को मिली और उसके बाद जब अगला दिन आए तो आप फिर से खुशी से अपने बिस्तर से निकल पड़े ऐसा ना हो कि जैसे आप उठे और आप कहें कि अरे आज का फिर से दिन शुरू हो गया मुझे याद है तीन साल तीन साल पहले जब मैं उठा करती थी तो मैं डर जाती थी कि एक और दिन और आज मैं बहुत खुश हूं और आज मैं कुछ एक ऐसी चीजों की संस्थापना कर रही हूं जो कि जो कि मेरा लक्ष्य बन गया है और देखिए ना हम लोग अगर कोई भी चीज अपने जुनून से करते हैं तो ये वाकई हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है और कोई भी उस समय आपकी जो दिनचर्या है वो केवल आठ से पांच बजे तक नहीं रह जाती अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है आप जुनून से कार्य करते हैं तो आप लगातार कार्य कर सकते हैं और जब आप सोने जाते हैं तो आप ये सो सोते हैं ये कहकर अपने आप को सोते हैं कि अब मुझे उठना है तो अब यहाँ पर आप वही चीज करते हैं जो आपको अच्छा लगता है और आप उसके लिए हमेशा समय निकाल लेते हैं आप हमेशा ये चयन करते हैं कि आप कब ये चीजें करना चाहते हैं क्या आप रात को करना चाहते हैं दिन में करना चाहते हैं संध्या के समय करना चाहते हैं आप अपने स्वयं के बॉस हैं अब एक और नया मौका आपके सामने है और इवोसेंट के रूप में और ये हम लोगों की पहुंच बनाएगा एक नए आला समुदाय के लिए तो इवोसेंट जो है वो बिल्कुल अलग है बिल्कुल नया है और बहुत दिलचस्प है तो इवोसेंट जो है वो केवल और केवल सुगंधों की बात नहीं है बल्कि ये एक आठ उत्कृष्ट इत्र हैं जो इवोसेंट द्वारा बनाए गए हैं और यहाँ पर इनके निर्माता या आप यूं कह लीजिए कि इनके सृष्टा जो हैं उनका वो रेमॉन बहर है जिनका नाम बहुत इज्जत से परफ्यूमरी की दुनिया में लिया जाता है आपने उनके वेबिनार्स में हिस्सा लिया है आपने उनको देखा है और हमारी जो टीम है वो उसको बहुत देशों से निमंत्रण आया है इटली से वियतनाम से वियतनाम से आ, आज इटली से हमने फोन किया माफ कीजिएगा और इटली में हम लोगों इटली का इटली के देश से हमें फोन आया कि हम लोग वहाँ कब आ रहे हैं और रेमोन बहर को कब लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पर हमारी टीम जो है वो वाकई खूब यात्राएं करने वाली है और इसके साथ साथ इन उपलब्धियों के साथ साथ जो रेमोन बहर का जो कैरियर है और जो उनका अनुभव है उनका अनुभव 40 सालों का है और उन्होंने अपने चालीस वर्षों के अनुभव के अंदर चालीस वर्षों के अंदर उन्होंने दुनिया का सबसे महंगा इत्र बनाया और उन्होंने उसको एक, एक लाख डॉलर से ऊपर बेचा तो अब आप समझ सकते हैं कि इन इस व्यक्तित्व का क्या मूल्य है तो इसलिए हम लोग अभी इस उत्पाद को इस परियोजना को अभी विकसित कर रहे हैं जैसे एक बच्चे की तरह जैसे कि एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो गिरता है लेकिन वो गिर के वही नहीं रुक जाता डर नहीं जाता खड़ा होता है और फिर चलता है और उसी प्रकार इवोसेंट जो है वो उस परियोजना के उसी काल में है और परियो और इस ये परियोजना जो है जो इवोसेंट है ये सभी के लिए विलासता से परिपूर्ण जीवन को लेकर आना चाहता है और यहाँ पर इवोसेंट उस समुदाय का हिस्सा है जिसके पास एक दशमलव सात मिलियन भागीदार पहले से ही मौजूद हैं और हम लोग एक सौ छिहत्तर देशों में मौजूद हैं और हर एक उपयोगकर्ता जो है वो उस जानकारी को प्राप्त कर सकता है जो उसे चाहिए हमारे पास समूह है हमारे पास अलग अलग समूह हैं हमारे पास बहुत सारे चैट्स हैं हमारे पास वार्तालाप है जो कि आप खुले खुले रूप से आप रेमोन बेहार के साथ और सरजी के साथ आप कर सकते हैं जो कि हमारे परियोजना प्रबंधक हैं तो हम लोग यहाँ पर आपके जो जो भी आपकी प्रतिक्रिया है फीडबैक्स हैं जो भी आपकी टिप्पणियां हैं हम लोग उसको सुनने के लिए तैयार हैं और हम लोग काफी आतुर हैं तो आपको यहाँ पर एक मौका दिया जाता है कि आप जो है आप सभी सुगंधों को अपने पास बुला सकते हैं और ये वो सुगंध है जो कि इवोसेंट के अंदर बहुत शीघ्र उपलब्ध होंगी पर आप ये कभी भी मत सोचिएगा कि हम लोग यहाँ रुक जाएंगे हमारा लक्ष्य विलासता से भरी हुई एक्सेसरीज तक भी पहुंच बनाना है पर सबसे पहले हम लोग अपने पार्टनर्स और लीडर्स का ध्यान रखना चाहते हैं और ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम लोग उत्पाद को इस प्रकार ना देखें जिससे हम लोग बिक्री कर पाए पर ऐसा उत्पाद जिसको सबसे पहले हम इस्तेमाल कर सकें और उस उत्पाद को हम लोग अपने परिजनों तक पहुंचा पाए और इसीलिए हम लोगों ने एक सर्वेक्षण किया अपने वेबसाइट के ऊपर और जिन्होंने भी इस सर्वेक्षण को लिया हम लोग बस केवल उस सर्वेक्षण के माध्यम से ये देखना चाहते थे कि आपकी पसंद क्या है हम ये देखना चाहते थे कि आपको यात्रा करना कितना पसंद है कौन सी गाड़ियां पसंद हैं कौन सी सुगंध पसंद है क्या आपको खाना पसंद है हम ये जानना चाहते थे कि आपकी रुचियां किस चीज के अंदर हमारे समुदाय की रुचियां किसके अंदर है ताकि हम लोग वो इत्र बनाएं या वो सुगंध का निर्माण करें जो आपको अच्छी लगे और उसी प्रकार मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जब भी आपके पास कुछ इच्छाएं होती हैं और अच्छा हाँ जो लोग दुबई में थे क्या आपके आप में से कोई है जो कि दुबई में हमारे साथ मौजूद था इवेंटी के लिए यदि हाँ तो अगर हिंदी कक्ष में कोई उपलब्ध है तो आप प्लस दबाकर उसकी पुष्टि कीजिए और आप लोगों ने वहां पर एक उपहार प्राप्त किया और वो वो उपहार आप घर ले गए और ये उपहार था आपका ट्रैवल पैक तो यहाँ पर ये यह जरूरी है क्योंकि हमारा हमारी परियोजना इस समय एक बच्चे की तरह है हम लोग यहाँ पर कुछ अभी प्रयोग कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर चीजों को और बेहतर और बेहतर बनाना चाहते हैं हम लोगों की जो पहली प्रस्तुति है इसको हम लोग ट्रैवल किट के नाम से जानना चाहते हैं पहचान करवाना चाहते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही अनन्य पेशकश है जो कि उन लोगों के लिए है जो कि विलासिता की, की दुनिया का अनुभव करना चाहते हैं वो इस आला ग्राहकों के बारे में और उत्पादों के बारे में जानना चाहते हैं मेरे बात हुसैन मैनुअल जो हैं वो आपको और जानकारी देंगे लेकिन इस बिंदु के ऊपर मैं आप ये कहूंगी कि आप इस क्यू आर कोड का स्कैन करें और हमारे मॉडरेटर्स आपको लिंक देंगे सोशल मीडिया के लिए हमारे पास इंस्टाग्राम है रूसी में अंग्रेजी में और स्पेनिश में हमारे पास अपना फेसबुक पृष्ठ भी है और एक इंस्टाग्राम पृष्ठ भी है और मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि पिछले हफ्ते जब हम लोगों ने आपके साथ बात की थी तो जो लोग हमारे साथ पिछले हफ्ते के वेबिनार के साथ यहाँ पर मौजूद थे हम लोगों ने बात की थी या यूं कह लीजिए कि हम लोगों ने इस चीज के ऊपर समझौता प्रकट किया था कि हमारे पास फेसबुक के ऊपर सत्रह सौ से थोड़े से ज्यादा फॉलोअर्स थे और हम लोगों ने ये दिखाना चाहा था कि हमारा समुदाय कितना शक्तिशाली है हमारा समुदाय ही हमारी शक्ति है तो इसीलिए हम लोगों ने ज्यादा फॉलोअर्स बनाने की कोशिश की थी और अब हमारे पास जो है दो लोग हैं जो कि हमारे हमारे साथ मौजूद हैं हमारे फॉलोअर्स हैं तो दोस्तों अब एक बार और कोशिश करते हैं और हम चाहते हैं कि और लोगों को इस परियोजना के बारे में बताएं और हम चाहते हैं कि जितना सक्रिय हमारा फेसबुक पृष्ठ होगा जितना सक्रिय हमारा इंस्टाग्राम पृष्ठ होगा हम लोग उतने ज्यादा अपना अपनी छवि को बना पाएंगे जितने ज्यादा लोग इस परियोजना का फायदा उठाएंगे सहमालिक बनेंगे और इस व्यवसाय को विकसित करेंगे तो ये तभी हो सकता है जब हम लोग मिलकर काम करें टीम वर्क के साथ काम करें आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं तो आप आज जो कुछ भी इस वेबिनार में सीखेंगे आप सीखेंगे वो कुछ आश जिनको आप साझा कर सकते हैं अपने सोशल नेटवर्क के ऊपर आप अपने चैट के अंदर जरूर कमेंट्स डालें अगर आप मेरी बात से सहमत हैं। बहुत सारे लोग जो रेमन बिहार को नहीं जानते वो रेमन बिहार से मिलेंगे जैसा कि मैंने आपको कहा कि इनके पास 40 साल से ज्यादा का अनुभव है वो इस इस अन्य इत्रों के सृष्टा हैं सर जी मत आपको हरेक खुशबू के बारे में बताएंगे और उसके बाद हुसैन मैनुअल आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से इस व्यवसाय में कमा सकते हैं किस प्रकार से आप इसे अपना व्यवसाय बना सकते हैं तो आज हम लोग सभी कदमों को देखेंगे सभी कदमों को सीखेंगे कि जो आपको लेने हैं इस व्यवसाय के लिए और जो कुछ भी हमने शनिवार के वेबिनार के अंदर हम लोगों ने जो बातें की थी उसको एक बार सारांश से देखेंगे आप ये भी देखेंगे कि और कौन से साधन हैं कौन से उपकरण हैं जिससे आप जो है इस व्यवसाय को विकसित कर सकते हैं तो हो से ये मंच मैं आपको समर्पित करती हूं धन्यवाद नमस्कार दोस्तों और मुझे मैं माफी चाहूंगा मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही थी संपर्क साधने में लेकिन अब सब कुछ ठीक है तो एक और प्रस्तुति एक और दिन और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपके सामने इस प्रस्तुति को लेकर आया हूं। ये परियोजना बढ़ती जा रही है और ये परियोजना आपके लिए बनाई गई थी ताकि आप भी विकसित हो सके और बहुत सारे पैसे कमा सकें दिसंबर माह के अंदर ये परियोजना आपकी मदद करेगी कि आप जो हैं हमारे एम के अंदर टॉप यानी कि शीर्ष लीडर बन सकते हैं तो आइए अब देखते हैं और आप देखेंगे कि ये एक ऐसी परियोजना है जो कि हम लोगों को हजारों लाखों डॉलर कमाने में मदद करेगी क्योंकि मैं ये विश्वास के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नए लोग जो हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं हर रोज और जो लोग हमारे सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं और गलीना ने आपके साथ ये साझा किया कि अब हमारे पास बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और बहुत शीघ्र मुझे लगता है कि हम लोग शीर्ष शीर्ष नंबर एक के ऊपर आ जाएंगे ये कंपनी जो होगी जो प्रतिनिधित्व करेगी फैशन का और एक्सेसरीज का तो दोस्तों आप मुझे ये जरूर बताएं कि आप में से कितने लोग जो हैं वो ईवो को खरीदना चाहते हैं और मैं आपको ये बोतल दिखाना चाहता हूँ और ये ये जो बोतल मेरे हाथ में है ये केवल और एक केवल एक नमूना है ये आपको सिर्फ मैं दिखाना चाहता हूं कि कितना मात्रा आ सकती है इत्र की और ये डायमंड पॉलिश की गई बोतल है और इसके ऊपर मेरी उंगलियों की छाप भी दिखाई दे रही है क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये एक ऐसी बोतल है जो कि काफी अच्छी है बहुत ही खूबसूरत बॉक्स में इसको पैक किया जाएगा और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने काफी चीजें जो है वो प्राप्त की हैं और जो भी हम लोग मील पत्थर प्राप्त कर रहे हैं वो इसलिए ताकि आप सभी लोगों का आपको फायदा हो सके तो आइए आप देखते हैं कि हम लोग जून के अंदर हम लोगों ने इस परियोजना को शुरू किया इसको विकसित करना शुरू किया और इसके बाद हम लोग इस उत्पाद को तब से विकसित कर रहे हैं आप देख रहे हैं कि कितनी हम लोग कहाँ तक पहुंच पाए हैं आप रेमोन बेहर और सजीव मेहताओ से मिलेंगे जो कि ये दो लोग हैं जो कि एम व्यवसाय को पिछले दो सालों से विकसित कर रहे हैं और ये लोग सलाहकार हैं इवो रिच के अंदर और मैं इनसे मिला था बार्सिलोना के कार्यालय के अंदर और यहाँ पर मुझे इस दुनिया के बारे में पता चला इंस इत्र की दुनिया के बारे में पता चला और पता चला कि ये कितना गर्म व्यवसाय है और हम लोगों ने बार्सिलोना के अंदर फिर ये, ये हम लोगों ने निश्चय किया कि हम लोग इसकी व्यवसायिक परियोजना बनाएंगे और उसके बाद एंड्रे के सामने प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद हम लोगों ने बात करना शुरू की और हम लोगों ने ये दिखाने की कोशिश की कि ये किस प्रकार से ये परियोजना जो है ये हमारी और हमारे समुदाय की मदद कर सकता है और नए लोगों को हमारे समुदाय की तरफ आकर्षित कर सकता है क्यों क्योंकि ये एक ऐसा उत्पाद है जिसको आप छू सकते हैं मैं आप इसकी महक को ले सकते हैं इसकी सुगंध को आप अनुभव कर सकते हैं और आप अपने अपनी जो बैठकें हैं उनके अंदर भी इस उत्पाद को ले जा सकते हैं और आपके जो दोस्त हैं इसको और कहीं से भी खरीद नहीं सकते किसी भी इत्रों के दुकान से ये नहीं खरीद सकते बल्कि अगर उनको आप अगर इन इत्रों को उन्होंने उन्होंने अगर अनुभव करना है तो वो केवल और केवल आपके माध्यम से कर सकते हैं सभी की सभी चीजें दुबई में शुरुआत हुई उनकी उस, और उसके बाद मार्च के अंदर मार्च और अप्रैल के अंदर जब हम लोग यहाँ दुबई में थे और और हम लोगों ने यहाँ पर एंड्रे से मिलने की कोशिश की और एंड्रे से हम लोग मिले और हम लोगों ने रेमोन बहर के बारे में उनको बताया और उनको उनकी कलाकृतियां यानी कि उनकी जो ये मास्टर हैं उसको दिखाया ये वाकई एक, एक कलाकार हैं ये एक ऐसे कलाकार हैं जो कि 40 साल का जिनको अनुभव है और वो केवल और केवल आ, सिर्फ इत्र ही नहीं बना रहे बल्कि से परिपूर्ण इत्र बना रहे हैं और दुनिया की सबसे महंगी इत्र भी इन्होंने ही बनाए हैं और ये वाकई जो ये इत्र है इनको इसीलिए जाना चाहता है क्योंकि ये आला इत्र का निर्माण करते हैं और इसीलिए जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे समुदाय का हिस्सा बनते हैं अलग अलग देशों से वो हमेशा आ, हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं ताकि वो हमसे बात कर सके हम लोगों ने अभी बैठक की इटालियन लोगों से इटालियन समुदाय से खजाके खजाकी समुदाय से और बहुत ही अच्छी बातचीत हुई और हम लोगों ने कोलंबिया के साथ बातचीत की कोलंबिया में सर्जियो uh, ऑस्पीना की की बेटी से हम बात की और रेमोन और uh, uh, सर्जी जो है वो हमेशा चाहते हैं कि हम लोग उनके साथ बैठक करें हम लोग हमेशा वाकई में आप मुझसे पूछें तो हम लोग काफी अच्छा समय व्यतीत करते हैं और लोगों को बहुत अच्छा अनुभव भी है और ये जो लोग हैं ये शायद uh, उम्र में युवा तो नहीं है लेकिन उनकी आत्मा वाकई बहुत युवा है और इसीलिए हम लोग अपने दर्शन शास्त्र से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं हम लोग विश्व की नई आर्थिक संक्रांति के अंदर विश्वास रखते हैं और हम ये विश्वास रखते हैं कि हम किस प्रकार किसी भी व्यक्ति को मौका दे सकते हैं महानता तक पहुंच बनाने का और रेमोन को हमारी यही चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है कि हम रेमोन के साथ आपको किस कि तो रेमोन के साथ काम करता हूँ तो मुझे सबसे बेहतरीन बात ये लगती है कि वो इस चीज को कैसे लागू करते हैं कैसे काम करते हैं वो सबसे अद्भुत होता है और मुझे लगता है वो पूरी कोशिशों के साथ जो भी करते हैं उसका तोहाराफ कर रहे हैं उन्होंने बाकी अन्य कंपनियों में भी ऐसा ही किया। उन्होंने जीवन में जीवन का आनंद लेने की कोशिश की और अब वो अपने एक प्रकार से विरासत छोड़ने के ऊपर काम कर रहे हैं हम जानते हैं कि जब लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं ऐसे दो समय होते हैं जब आप भौतिक रूप से जीवित नहीं रहते मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और दूसरी बार मौत तब होती है जब लोग आपके बारे में बात करना बंद कर देते हैं लेकिन मुझे लगता है रेमॉन के बारे में इतिहास में काफी बार उनकी चर्चा की जाएगी क्योंकि लाखों लोगों को उन्होंने छुआ है लाखों और हजारों लोगों तक उन्होंने पहुंच बनाई है और हम हमारी ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि वो इस परियोजना का विकास कर सकें और वो सबसे ऊपर ले जा सकें इसे और रेमॉन जो है वो बहुत ही खुशनुमा इंसान है मैं जानता हूं कि रेमॉन से सभी लोग सीखना चाहेंगे जो भी वो सीखना चाहते हैं इस उद्योग के बारे में और यही वो जगह है जहां इवोसेंट का जन्म हुआ इसी कक्ष में रेमोन और होसे इन सभी लोगों के साथ सरके के साथ मिलके हमने इसका निर्माण किया और फिर हमने इसको एक नाम दिया हमने एक वेबसाइट का भी निर्माण किया और हमने हमारे विकास के बारे में वृद्धि के बारे में सोचना शुरू किया हम और जो सबसे पहला धन है वो आने लगा हमारे बजट का हिस्सा बनते हुए और जानते हैं आज जो भागीदार है उन्हें केवल शिपमेंट के लिए भुगतान करना होता है ट्रेवल सेट के लिए भुगतान नहीं करना होता है ये एक बेहतरीन उत्पाद है जो कि जीवन में केवल एक बार जिसका निर्माण होता है और ये तो केवल एक शुरुआत है मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतरीन प्रवेश बिंदु है सभी लोगों के लिए ज्यादातर जो लाभ और उपहार हैं वो तब प्रदान किए जाते हैं जैसे ही उत्पाद का शुभारंभ होता है तो ये बहुत ही मजेदार बात है और अगस्त के अंदर जैसे मैंने आपको बताया हमारी वेबसाइट का पहले ही शुभारंभ हो चुका है मनोविज्ञानिक जांच जो है उसका भी शुरुआत किया गया था मनोविज्ञानिक परीक्षण और फिर अक्टूबर में दुबई में हम लोगों ने आधिकारिक प्रस्तुतिकरण किया और लोगों को उनके सैंपल मिले हैं ट्रेवल सेट के और उन्होंने उसका पूरा आनंद उठाया है अपने घर में हम ऐसे भी जानते हैं लोगों को जिन्होंने अभी तक अपना ट्रेवल सेंट नहीं प्राप्त किया है उनके लिए बहुत कठिन होगा कि वो इस उत्पाद के बारे में जानकारी को साझा कर सके क्योंकि उन्होंने खुद इसका अनुभव नहीं किया है लेकिन मुझे लगता है कि आपके क्षेत्र और शहर में भी ऐसे लोग होंगे जिन्हें पहले से ही ये सभी सेट प्राप्त हो गए हों तो आप उनसे जरूर कहें वो आपको मौका देंगे कि आप इसकी खुशबू महसूस कर सकें और मुझे लगता है रेमोन और सरगी ही वो लोग हैं जो कि आपको उन उत्पादों से अवगत करा सकते हैं कि कैसे आपको उसका इस्तेमाल करना है और क्या चीजें ये सभी सुगंध आपको प्रदान करते हैं तो अब हम महान रेमोन बह जी को ये मंच सौंपते हैं कि वो अपने जीवन की कहानी हमारे साथ साझा करें कि उन्होंने अब तक क्या क्या प्राप्त किया सभी को नमस्कार शुभ संध्या हम सभी लोग बेहतरीन दुनिया में जीते हैं और जो भी मास मीडिया हमें बताता है कि चीजें खराब हो रही है उनकी बातों को ना सुने आप आप पहाड़ में जाएं जंगल में जाएं और जाके आप खुद महसूस करें कि हम लोग इतने महत्वपूर्ण हैं, इतने शक्तिशाली हैं और इतने ताकतवर हैं कि हम सभी चीजों को खत्म भी कर सकते हैं लेकिन हमारा लक्ष्य वो नहीं होना चाहिए क्योंकि हम निर्माण करने के लिए बने हैं हम मास्टरपीस का निर्माण करने के लिए पैदा हुए हैं और परमात्मा जो है वो बड़ी बड़ी चीजों का निर्माण करते हैं लेकिन जब मैं परफ्यूम की दुनिया से जुड़ा तो मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मैं कोई ऊपरी मानव हूँ बाहरी मानव हूँ जैसे एलियन होता है और मैं जैसे हवा में उड़ना लगा इन खुशबुओं के साथ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुशबू मुझे लगता है कि वो इतनी महत्वपूर्ण है जितनी देखने की रोशनी तक नहीं है हम सभी लोग खूबसूरत चीजों का आनंद उठाते हैं हमारे लोगों के साथ के आनंद को महसूस करते हैं लेकिन जब हम खुशबू को महसूस करते हैं और खास करके जो सेंट में महक है जब हम उसको महसूस करते हैं ना तो वो लम्हा होता है जब चमत्कार होना शुरू होता है वो एक ऐसा लम्हा होता है जो बहुत हटकर होता है अलग होता है आप उसकी तुलना किसी और चीज से नहीं कर सकते हैं अतीत की किसी भी चीज से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है और मुझे लगता है कि मैं उनमें से एक हूं जिसे ऐसा लगता है जब आप किसी चीज को बहुत प्यार से और जुनून से करने की कोशिश करते हैं जब किसी को आभास होता है कि आखिरकार हम पर हमारे लिए आई है हमारे पास आई है तो ऐसा लगता है जैसे मानो परमात्मा का ये साक्षात आशीर्वाद और वरदान है और इसकी वजह से मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही विलासिता वर्ग के लिए एक अद्भुत खुशबुओं का निर्माण किया है एक ब्रांड का निर्माण किया है और मुझे लगता है इवरित समुदाय के लिए भी मैं चाहता हूं कि हमारा पूरा समुदाय इसका आनंद उठा सके इसे खुद से महसूस कर सके और हमें ये बताया गया था कि ये तो बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि हम इसका आनंद उठा पाएंगे धन्यवाद है इवोसेंट हाईएस्ट कलेक्शन का आपको याद रखना चाहिए कि जब आप इवोसेंट को इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूं तो आपको ऐसा महसूस करना चाहिए लेकिन उस खुशबू को महसूस करेंगे जब आप अपने बदन पर तब आप खुद महसूस करेंगे कि वाकई में ये एक बहुत ही यानी अभिजात वर्ग है एक बहुत ही अद्भुत खुशबू है और आपको बिल्कुल देर नहीं लगेगी उसके खुशबू में मंत्र मुक्त होने के लिए और आपको बस एक जगह आराम से बैठ के खुशबू को महसूस करना है और आपको लगेगा जैसे आप इस धरती में किसी एक अनन्य लोक में पहुंच गए हैं ऐसा लोक नहीं जो कि बाकी लोगों के लिए बातें है नहीं ऐसा नहीं बल्कि एक ऐसा समुदाय होगा जो कि सभी के लिए खुला है और ये एक ऐसी चीज है जो कि समृद्धि का निर्माण करेगा ये एक ऐसी चीज है जो कि प्राकृतिक परिणाम की तरह काम करेगा ज्ञान को लेके कामुकता को लेके और सफलता को लेके और जो आपको अंततः समृद्धि की ओर ले जाएगा मैंने बहुत ही अद्भुत चीजों का खूबसूरत नयाप्त चीजों का निर्माण किया है मुझे लगता है कि सभी चीजों के बारे में आपको संक्षिप्त में बताना महज एक सत्र में आसान नहीं है क्योंकि आपको लगेगा कि शायद मैं अपने मुमिया बन रहा हूं और बड़ा चढ़ा के अपनी तारीफ कर रहा हूँ देखिए अगर करना होता तो मैं आपको बताता लेकिन मैं आपको सच बताना चाहता हूं कि नीलामी में मेरा एक इत्र वन थाउजेंड डॉलर के हिसाब से वो बिका है जहां बहुत ही अनन्य मेहमान उस लॉबी में थे उस होटल में और लंबर के आयोजक आयोजकों का वो एक सम्मेलन था और इतने महंगे दाम में मैंने अपने इत्र को बेचा है मानो जैसे शाही एकदम शाही घरानों में जिस प्रकार के इत्र होते हैं उस प्रकार का वो इत्र बेचा गया है महज 25 मिनट में फोर्ब्स की शीर्ष सूची में से एक व्यक्ति आए और उन्होंने मेरे इत्र को खरीद के अपने घर ले गए और मैं आपको सच बताऊं तो मैं उस एक्सपो में जाना भी नहीं चाहता था मैंने सभी आयोजकों को बोला देखिए मैं कई बार तो यहाँ आ चुका हूँ मेरे आने की क्या जरूरत है लेकिन वहाँ ये अद्भुत घटना हुई और वहां पे न जाने कितने विज्ञापन छपे फोर्ब्स में क्लॉसमोपोलिटिन और सभी जो बड़ी बड़ी विज्ञापन पत्रिकाएं हैं उन्होंने इस बारे में छापा और फिर मुझे आभास हुआ कि शायद मैं एक ऐसे परफ्यूम को बेचूंगा जो कि एक मिलियन में बिकेगा आखिरकार जो हमारी इच्छाएं हैं वही तो चमत्कार को पैदा करती हैं मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि एक ब्रांड है जिसका नाम मैं आपको नहीं बता सकता हूं वो गोपनीय है क्योंकि मैंने एनडीई गोपनीयता नीति पे हस्ताक्षर किया है पर ये एक सबसे सर्वोत्तम ब्रांड है आ, लेकिन रेमॉन बिहार भी Uh, सबसे बड़े विक्रेता की तरह ही है बाजार में और मेरे पास यूरोपियन uh, पुरस्कार है सबसे सर्वोत्तम पैकेजिंग के लिए जहां आपको धन नहीं मिलता है लेकिन ये बहुत एक प्रतिष्ठित पुरस्कार की तरह है और चार लोग इसमें काम कर रहे थे जहां uh, तीन ज, तीन जो है मेरे साथ बहुत ही बड़े और लोकप्रिय ब्रांड थे और साथ में चौथा मेरा ब्रांड था और बड़े बड़े जो महंगे स्टोर हैं उसके अंदर परफ्यूम बेचे जाते जैसे रेट, मिलान रेड स्क्वायर में और मैंने दो साल पहले क्या पाया वो इवरिच मैंने अपने लिए तलाशा और मुझे बेहद मेरे मन को छू गए न्यू के सिद्धांत और ये जो मिशन है जो कि आपको सुख और समृद्धि की ओर ले जाता है और जो पिरामिड वाली संरचना है उसको ऊपर से नीचे घुमाकर उल्टा करते हुए एक गोलाई में यानी जो स्फेरिकल कलेक्शन है वहां तक हम पहुंचे तो देखिए बाहरी एक शेल होती है और उसके अंदर कई सारे धातु होते हैं तेल होता है लेकिन हम लोग उस उसी पृथ्वी में जहाँ अंदर में सभी लावा है धातु है तेल है हम उसके बाहरी जगह पे रह रहे हैं बाहरी भूमि पे रहते हैं इसी प्रकार से जो पिरामिड है अगर आप देखें कि वहाँ पर पिरामिड के रूप में लोग जो हैं, विश्व का जो सभी धन है वो विभाजित है तो ये कुछ न्यायपूर्ण बात नहीं है कि केवल उस पिरामिड का यानी जो तिकोना है उसकी जो टिप है केवल वही अमीर लोगों के पास जाए यानी एक प्रतिशत लोगों के पास सारा धन हो और निन्यानवे लोग जो हैं वो गरीबी से तकलीफ में, तकलीफ में में जीवन को जी तो ये बात कुछ अच्छी नहीं है तो मेरे को न्यू की अवधारणा ऐसे में बेहद पसंद आती है और जो मेरी कहानी है वो बस आप ये मानकर चले कि अंत तक नहीं आई है या अभी खतम नहीं होने वाली है आप ये ना सोचो कि मैं एक बहुत ही अमीर परिवार से हूं ऐसा नहीं है कि मेरा एक बहुत ही बड़े घर में जन्म हुआ नहीं आ, किसान थे मेरे माता पिता वो अपनी भूमि में फसल काटते थे और ये आ, लूसिया के दक्षिण भाग में मेरा घर हुआ करता था और फिर मैं बार्सिलोना गया उच्च विद्यालय प्राप्त उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उच्च विद्यालय में लेकिन मैं स्नातक नहीं हो पाया उस उच्च विद्यालय में अंतिम जब साल तक पहुंचा तो मैंने वो जो कॉलेज है छोड़ दिया और जानते हैं जो सड़क है मेड्रेड कि पर मेरे एक मुलाकात हुई व्यक्ति से और उस सचन व्यक्ति ने मुझे इतना बेहतरीन रूप से ज्ञान प्रदान किया एक प्रकार से आप माने कि वो बेल्जियन एल्कमिस्ट थे जिन्होंने मेरे कौशल को और निखारा वो लोग सभी दर्शन शास्त्र का पालन करने वाले थे फिलोसोफर थे उनका एक एरिस्टोक्रेटिक खून उनकी रकों में दौड़ता था लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि हम तो अल्केमिस्ट्री से ताल्लुकात रखते थे लेकिन उन्होंने हमारे लिए एक नई राह खोली और ये जो सच्चन व्यक्ति हैं जो कि मेड्रिट में थे आखिरकार ऐसा हुआ कि मैं उनकी धर्म पत्नी को गाड़ी चलाना सिखा रहा था और वो महिला मुझे अरेबिक भाषा सिखा रही थी तो कक्षाओं के दौरान मुझे पता चला कि वो परफ्यूमर है और मैंने पश्चिम को जब खोला तो मेरे लिए तो जैसे सूर्य उदय हो गया और जानते हैं ये मेरी खुशकिस्मती की ही बात थी कि मैं आ, एक प्रकार से मेरा मैं सेना में शामिल हुआ और सेना का जो मेरा यूनिट है वो दस मिनट की दूरी पे ही था जहां वो निवास कर रहे थे आ, तो जहां पे मेरे को आ, सेना में नियुक्ति मिली या जो मेरा आ, जहां से मेरे को सेना के लिए काम करना था वो दस मिनट की दूरी पे था उनके घर से और फिर उनसे मेरे को काफी ज्ञान मिला और फिर मैंने अपने माता पिता को बताया कि मैं इत्रों को भेजूंगा और मेरे माता पिता ने सोचा है भगवान लड़के को क्या हो गया है और हालांकि मेरे जो माता पिता हैं वो बहुत ही संवेदनशील हैं काफी धीर और गंभीर हैं लेकिन उनके अपने तथ्य हैं लेकिन जो मस्तिष्क के तथ्य होते हैं उससे कई गुना ज्यादा मजबूत और ठोस तथ्य दिल के होते हैं और ऐसा भी हुआ कि बार्सिलोना के बस स्टॉप पे मैंने अपने परफ्यूम को बेचा और एक बहुत ही मशहूर सड़क है वहाँ पर जो कि एयरपोर्ट से दूर है वहाँ पे कई हैंडीक्राफ्ट स्टैंड्स हुआ करते थे वहाँ पर मेरे को अनुमति मिली कि मैं अपने इत्रों को बेच सकूं और शनिवार के दूसरे भाग दिन के दूसरे भाग में मुझे बेचने की अनुमति मिली और मैं क्योंकि शुरुआती पहली बार काम करने वाला था ये तो मेरे को मैं काफी घबराया हुआ था और थोड़ा सा शर्मिंदा भी था और मैंने अपने दोस्त को देखा उसके पास में एक बैग था जिसमें सभी इत्र थे मुझे ये भी याद है कि मैं ना कोशिश कर रहा था कि जो बड़े बड़े दुकानदार हैं उनके पीछे छुप जाऊं किसी तरह और एक छोटा सा मंच था जहां पे मोमबत्तियां लगाई हुई थी और वहां मैं अपना जादू दिखाने लगा तो जो पहला दिन था क्या आप जानते हैं क्या हुआ तब मैंने सभी चीजें बेच दी एक भी बोतल मैं घर लेके नहीं गया और फिर मुझे पूरे शनिवार में बहुत कड़ा परिश्रम करना पड़ा क्योंकि रविवार आ रहा था और मैं तो पहले ही सब कुछ बेच दिया मैंने पहले दिन और जानते हैं क्यों पहले ही दिन मैंने सब कुछ बेच दिया किस तरह से मैं बेच पाया सोमवार को मुझे बार्सिलोना में जो मेयर है ब, बार्सलोना के जो मेयर है यानी जो अधिकारिक व्यक्ति हैं मैं उनके पास गया और मैंने बोला अरे वाह रंबल आ, ये जो खुशबू है ये मेरी खुशबू से आ, उनका घर महक रहा था और जो पहला परफ्यूम मैंने निर्माण किया था वो आयरिस की खुशबू से बना था और आयरिस एक बहुत ही खुशबूदार फूल है जो कि एक नव विवाहित दंपति के पास प्राप्त होता है उनके वो प्रदान किया जाता है तो ये जो सभी क्राफ्टमैन थे उनके पास से मेरे को इस प्रकार की खुशबू आने लगी और वहां से सब कुछ शुरुआत हुई Uh, मैंने हमेशा सपना देखा कि मैं पेशेवर बनूंगा और सफल होऊंगा जो भी मैं करता हूं उसमें और जानते हैं हैं जब आप काम करते केवल खुशबुओं के साथ नहीं बल्कि जब आप डिजाइन पे काम करते हैं और मेरे को डिजाइन बेहद पसंद है सौ बोतलों का मैंने डिजाइन खुद निर्माण किया है मेरी पूरी कोशिश होती है कि ये जो इत्र की दुनिया है उसमें मैं उन्नति और विकास करूं ये एक प्रकार से एक गोपनीय क्रांति की तरह था जो मैं आराम से कर रहा था बिना किसी को बताए और जब बहुत ही मैंने कड़ा परिश्रम किया तो उसके बाद मैं अपने इत्रों को सभी राजकुमारी राजकुमारों को लंदन में बेचने के योग्य हुआ लंदन में भी ऐसे लोग थे जो कि बीस हजार यूरो में मेरे बोतल को उन्होंने खरीदा मुझसे पंद्रह मिलोलीटर की लेकिन मुझे लगता है इवोसेंट स्वाभाविक रूप से इसी कहानी में आगे मेरे जीवन के पन्नों में इवोसेंट की कहानी भी लिखी जाएगी और मुझे लगता है कि ये केवल एक परफ्यूम तक ही सीमित नहीं रहेगा ये कहानी जो है और जानते हैं मैं तो काफी बेछैन हूं में एक भूख है और मैंने हमेशा सपना देखा है कि मैं कपड़ों को भी डिजाइन करूंगा और मैं तो बहुत ही सौभाग्यशाली स्वयं को महसूस करता हूं क्योंकि इवो सेंट बहुत जल्दी उसका निर्माण हुआ है और जल्द से जल्द उसके परिणाम भी हमें मिलेंगे चलते हैं अगली स्लाइड पे मुझे लगता है मैंने आज आपसे काफी सारी बातें कर ली है तो अरे वाह क्या बात है मौका आ गया है सर्गे मटो चीका तो दोस्तों देव और नो अगर आपने कभी उनको इसके बारे में बोलते नहीं सुना है तो सब लोग तैयार हो जाएं क्योंकि उनके शब्दों में ही आप इन खुशबुओं को महसूस कर पाएंगे दोस्तों नमस्कार है सभी लोगों को तो इससे पहले कि हम उन सभी खुशबुओं के बारे में बात करें जो कि आधारित है इस संग्रह में जो कि मिले हुए हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस संग्रह को हम ट्रेवल सेट के नाम से जानते हैं लेकिन मैं तो इसे कहूंगा कि ये एक चमत्कारी किट है सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देना चाहूंगा हमारे वेबिनार प्रतिदिन आयोजित होते हैं और हम लोग वियतनाम में नीदरलैंड इटली में काम करते हैं और बिना रुके हम लोग लगातार यात्रा करते हैं तो केवल एक ही जगह हम भौतिक रूप से ये हमने यात्रा की है वो दुबई था लेकिन जब पहली बार हो से मनवेले ने मुझे आमंत्रण दिया तो मुझे लगा कि मैं काफी अनुभवी हूँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ सभी लोगों के सामने बात करने के लिए लेकिन जब मुझे आमंत्रण मिला कि मैं जूम पर काम करूं तो मैंने कहा अरे मैं किससे बात करने वाला हूँ कौन होगा जो मुझे सुनेगा एक ब्लू बटन ही तो दिख रहा होगा मुझे पर फिर मुझे आभास हुआ कि नहीं मैं तो आ, बहुत ही एक बड़े जन समुदाय के सामने हूँ वो लोग जिनमें भूख है मुझे बेहद खुशी है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ पा रहा हूँ क्योंकि इवो सेंट वो उत्पाद है जो कि रेमोन के साथ मिलकर होस समेल कलना एंड्रोहोव्रोत जी के साथ मिलकर वाकई में एक अद्भुत बात की तरह काम करता है और मैं आप लोगों को अपने साथ उड़ा कर एक अलग दुनिया में ले जाना चाहता हूँ और हम एक बहुत ही उत्साहित जगह पे कदम रख रहे हैं जहाँ ये केवल एक शुरुआती समय में है और ये उत्पाद अभी जैसे नवजात शिशु की तरह है पर आने वाले समय में ये विश्व भर में विख्यात होगा क्योंकि इसके बारे में जागरूकता विश्व भर में फैला जाएगी और ये Uh, एक ऐसा ब्रांड होगा जो कि केवल विश्व व्याख्यात नहीं होगा बल्कि एक ऐसा ब्रांड होगा जिसके पीछे एक सिद्धांत है एक दर्शन है जो कि एक ट्रेडमार्क के साथ आता है जो कि ज्यादा से ज्यादा बिक्री कराता है तो सबसे पहले तो हमने विचारधारा का निर्माण किया कि इस ब्रांड का मिशन क्या है और हमने ये कर दिखाया है स्पेनिश बोलने वाले समुदाय के साथ मिलकर लेकिन ईव सेंट का अनुवाद आप किसी भी भाषा में बहुत ही एक आ, कविता के रूप में कर सकते हैं और मुझे लगता है कि इवस, आप इसे फ्रेंच में बोलते हैं इवोसेंट आप इसे अंग्रेजी में बोलते हैं और ये ब्रांड इवोसेंट वो ब्रांड है जिसका हम लोग आनंद ही नहीं बल्कि परम आनंद का अनुभव करेंगे मुझे लगता है बहुत ही खूबसूरत ये एक सु अवसर है जिसके माध्यम से हम हमारे समुदाय और व्यवसाय का विकास कर पाएंगे और जानते हैं कुछ ही दिन पहले मैंने अपने जो कला का प्रदर्शन का जो मेरा करियर है उसमें भी विस्तार करा है और अब मैं इत्र की दुनिया में कदम रख रहा हूँ तो दोनों ही पेशों को मैं जोड़ सकता हूँ और मेरे को बहुत ही बेहतरीन कला के क्षेत्र में भी भूमिकाएं मिली हैं लेकिन क्या फर्क है एक कलाकार के बीच में और इवेंट परियोजना में तो कलाकार के रूप में हम एक ऐसी चीज के साथ काम करते हैं जो कि सच्चाई से थोड़ा परे होता है और एक बेहतरीन कलाकार वो होता है जो कि लिपि को वास्तविकता का रूप देता है और ये नहीं कर दिखा पाता है वो बुरे कलाकार माने जाते हैं लेकिन इवोसेंट में हम बिल्कुल सच्चाई के साथ काम कर रहे हैं जिसके बारे में बात करना बहुत ही सरल है और फिर आप इसके मार्केटिंग भाग के बारे में समझाते हैं सब कुछ बहुत सरल है मैं ज्यादातर सेंट और इत्रों के बारे में बताता हूँ हमारा जो इत्र है वो बाकी अन्य से भिन्न है और जैसे ही आपको ये समझ आता है हम किस बारे में आपसे बात कर रहे हैं आपके लिए बेहद सरल हो जाएगा लोगों को अपनी ओर करना और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि लोगों के मस्तिष्क में किस प्रकार का मौका है और जैसे कि बहुत सारे लोग हैं आ, उन्हें लगता है कि ये एक सबसे बुनियादी उपकरण होने वाला है जिसको बहुत ही तरीके से प्रस्तुत करना है एक पूर्ण आत्मविश्वास और उत्साह के साथ जब आप बात करते हैं जब आपको पता होता है आप किस बारे में बात कर रहे हैं और जो इसका अस्तित्व है ये जो पूरा डेमोन्स्ट्रेशन ये जो ट्रेवल सेट है जिसे हम हाईएस्ट कलेक्शन यानी सबसे उच्चतम संग्रह के बारे में बात करते हैं और जिस खूबसूरती से हमने एक एक को नाम दिया है तो देखिए हमने सबसे पहले तो इवोसेंट ब्रांड को नाम दिया और हम चाहते थे कि ये इवो रिच के नाम के साथ मेल खाए तो एक प्रकार से हमने उसी जड़ को पकड़ा है जो कि इनके बीच में सामान्य है वो क्या है इवो. और हम चाहते थे कि जो हमारा संग्रह है उसे महान माना जाए एक उच्च योग्यता पूर्ण संग्रह माना जाए तो जब हमने चयन किया है और नाम प्रदान किए हैं ताकि अवधारणा के हिसाब से वो इवो रिच के साथ जुड़े रहे तो ऐसी स्थिति में जो पहला नाम है उसको हमने बहुत जल्दी से निर्माण किया जिससे दूसरे परफ्यूम को ग्रेटनेस बोला जाता है तीसरे को तांत्रिक बोला जाता है और मेरे को लगता है कि वहां आपको उस इत्र के बारे में समझाना हो गया क्योंकि ये जो इत्र है वो बहुत ही संवेदनशील है और हमें उसी उसी भूमिका को उसी भावना को सभी लोगों के साथ जोड़ना है वहां तक लोगों तक पहुंचाना है और उसमें कुछ आंतरिक चीजें हैं जो कि हमें जो बाहरी आ, हमले होते हैं मास मीडिया के उससे हमें ये परे ले जाता है और देखिए अभी जैसे महामारी चल रही है लॉकडाउन है तो हम लोगों के मन में एक प्रकार का डर होता है लेकिन मन में में एक इच्छा होती 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 है, इच्छाएं हैं, हैं, और जब आपके हाथ में ये इत्र की बोतल होती हाँ लोगों ने ऑर्डर भी किया है और हाँ हमें उन्हें प्रदान करने में थोड़ा सा विलंब भी हुआ है लेकिन देखिए समय हमारे विरुद्ध काम कर रहा था हमने तो अपनी गति तीव्र गति से बनाए रखी और सुगमता से मुझे लगता है कि हम जितनी भी समस्याएं हैं उसको समाधान आपको प्रदान करेंगे और ये जो चमत्कारी ट्रेवल सेट है ये आपके हाथ जरूर लगेगा और अगर आज हमारे पास एक लाख लोग हैं तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द हमें बताएंगे कि सर्के और ये जो पहला बैच है एक लाख परफ्यूम का ये खत्म हो गया है जल्दी से आप दूसरे एक लाख का निर्माण करें क्योंकि हर कोई इसका आनंद उठाना चाहता है तो देखिए जब आपके हाथ में ये आठ सैंपल होते हैं तो आपको उसका आनंद बिना किसी जल्दबाजी के हफड़ा तफड़ी को छोड़े बिना आपको उसका आनंद उठाना चाहिए और जब आप तो किसी आप दुकान किसी में जाते दुकान हैं पर जाते हैं तो आपको वो इत्र छिड़क कर आपको भगाना चाहता है लेकिन आपके पास एक वाकई में एक ऐसी किट है एक ऐसा पिटारा है जहां पर आप जिसको खोल सकते हैं आप आज एक इत्र लगा सकते हैं और दूसरा दूसरे दिन आप दूसरी लगा सकते हैं आपको एक अच्छे इत्र को महसूस करने के लिए आपको हर रोज उनके साथ समय बिताना पड़ता है तो पहला जब आप इत्र को छिड़कते हैं तो आप उसकी सुगंध लेते हैं तो वो जो है वो हवा में जो है घुलना शुरू हो जाता है उसके बाद आपको उस सुगंध का एक मूल पता चलता है और जो तीसरा जो 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 हम लोग यहाँ पर आप देखते हैं जो कि सुगंध आपको कपड़ों में जो अंत में रह जाती है तो ये जो एक ऐसी सुगंध है जो कि आपके पास 24 घंटे तक रहती है इसीलिए इसको आ, समय देना बहुत जरूरी है फिर पता है क्या होता है देखिए मैं बताता हूं क्या होता है देखिए मैं सहायक था रमन बहर का और जब वो इसको बना रहे थे तो मैं उनकी मदद कर रहा था मुझे ये आठों के आठों ये जो सुगंध है ये मुझे पसंद है ये काफी शक्तिशाली है और एक ऐसी सुगंध है जो कि आपको गुलाबों के पास ले जाती है और ये सभी सुगंध अलग अलग हैं ये आपको एक अलग प्रकार की महक देती हैं और ये केवल आप ही के लिए नहीं और बल्कि और लोगों को भी क्योंकि मुझे लोग कहते हैं कि सर जी अरे आज तो आप महक रहे हैं और मैं उनको बोलता हूँ जी हाँ ये फिफ्थ एलिमेंट है और मुझे ये वाकई बहुत अच्छा लगता है मुझे बहुत गर्व महसूस होता है और जब आप ये सभी के सभी इत्रों को आप लगा देंगे तो आपको पूछा जाए कि आप क्या खरीदना चाहेंगे तो आप कहेंगे सभी के सभी आर्ट तो मार्केटिंग जो प्लान है जो विपणन योजना है वो इस प्रकार बनाई गई है वो इस प्रकार बनाया गया है कि आप जो है जितना ज्यादा चाहे उतना खरीद सकते हैं देखिए विपणन योजना में मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ तो मैं अब आपको थोड़ा सा सुगंधों के बारे में बताता हूँ तो सबसे पहले इवोरिच इवोरिच एक हमारे लिए आप यू कह लीजिए कि ये हमें विश्वास दिलाता है हमारे हमारे भविष्य के लिए और इसके पीछे क्या फॉर्मूला है क्या सूत्र है ये एक बहुत ही पारंपरिक फॉर्मुलेशन है और यहाँ पर आप इसको एक प्रकार से एक बहुत ही बहादुर हसमुख और आधुनिक सुगंध मान सकते हैं और इसके अंदर एम्बर है इसके अंदर लेवेंडर है और लेवेंडर इसको खिल कर खिला देता है और ये सारी की सारी चीजें जो जो ये सुगंध है ये सुगंध आपको एक ऐसा आभास देती है जैसे कि आप एक अनन्य जीव हैं और सुरक्षित हैं उसके बाद हम ग्रेटनेस की बात करते हैं और ये जो ग्रेटनेस है ये महानता को परिभाषित करती है इसके अंदर गुलाब जरूनियम और जिसे कहते हैं एक आड़ू आड़ू के साथ आप इसकी सुगंध महसूस कर सकते हैं कस्तूरी और एम्बर का आधार है और इसके अंदर बर्गमोन के शीर्ष नोट्स हैं और इन सब का जो नतीजा है वो ये होता है कि आपको बहुत ही शक्तिशाली आपको ट्यूबरोस जो जो ट्यूबरोस के कंद और फूल की शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है आइए तीसरे पर चलते हैं तांत्रिक तांत्रिक क्या है एक ऐसी खुशबू जो कि वाकई अगर आप बात करें तो शायद हम लोगों को बहुत अंदर तक छू कर जाती है और इसके अंदर एक शक्तिशाली कामुक सुगंध की विशेषता है और ये इन सुगंधों को परिभाषित करती है तो तो रेमोन और मैंने जब इसको सूंघा तो हम लोगों को हम लोग इस, इसके ऊपर हम लोग दोनों इस चीज के ऊपर सहमत हुए इस तथ्य के ऊपर सहमत हुए कि जब हम लोग इसको सुगंध लेते हैं जब हम लोग इसके इसको अनुभव करते हैं तो हमें शक्ति प्राप्त होती है हमारी पृथ्वी की उसकी उर्वरता की और इसके अंदर इमली अंगूर और आम की अंतिम सुगंधे हैं अंतिम नोट्स हैं तो हमारी असीम कामुकता जो है वो हर पृथ्वी की चीज के साथ मिलन में आ जाती है उसके बाद आते हैं पैराडिग्मा पैराडिग्मा यहाँ पर एक प्रकार से समकालीन रंग विचार, सह विचार और एक नए अनुभव का जन्म होता है तो यहाँ पर इसके अंदर एम्बर ग्रीस है इसके अंदर एब्सोल्यूट है बेजॉइन रोजन है इसके ये सारी की सारी जो बेजॉइन रेजन है ये इसके इत्र का मूल बनाते हैं इसके अंदर एम्बर ग्रीन भी है और यहाँ पर ये एक प्रकार से एक अलेमी सीड ऑयल के वातावरण में ये हुआ होता है और ये एक प्रकार से हम लोगों को हमारे मूल तक पहुंचाता है और हमारे गंतव्य की याद दिलाता है उसके बाद नंबर पांच है फिफ्थ एलिमेंट और यहाँ पर एक एथर का जादू तो यहाँ पर जो एथर है ये एथर एक ऐसी या ये जो फिफ्थ एलिमेंट है ये इस प्रकार से बनी हुई है जिस प्रकार से ब्रह्मांड बनता है ये इस प्रकार बनी हुई है जब आप इसको 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 आप सूंघते हैं तो आपको लगता है कि ये इस दुनिया का नहीं है और यहाँ पर बहुत ही संतुलन के साथ काली मिर्च धूप और धुएं के बादल का इस्तेमाल किया गया है और इसके अंदर बगीचों की फलों की कि के साथ संयुक्त किया गया है इसमें जो फल का इस्तेमाल किया गया है वो और इसके अंदर एक शक्तिशाली माध्यम से ये अपने आप को खुद को प्रकट करता है और ये जो इत्र है ये हमें अपनी सीमा के करीब लेके जाता है क्योंकि ये जो इत्र है ये अनुभास ये आभास दिलाता है कि जितना हम जानते हैं जितनी हमारी इंद्रिय शक्तियां हैं उसके बाहर भी कुछ और है अब आते हैं के ऊपर जो है इसके अंदर केसर, और इलायची का इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर जो एक सेडर जो पेड़ है उसके उसकी लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है ये एक ऐसी गहन सुगंध है जो कि गहरे रहस्य की आभा में हमें ढकेलती है आइए आगे चलते हैं डायनामिक गोल्ड एक और निवेश उपकरण जो हमारे इवोरिच का है तो हम लोगों ने इसका शीर्षक इसलिए बनाया सोने के ऊपर बनाया लेकिन हमने इसको डायनामिक इसलिए कहा क्योंकि ये एक प्रकार अगर हम लोग बात करें तो ये हमेशा बदलता रहता है और इसके बदलने के अंदर ही इस सोने के प्रारूप के बदलने के अंदर ही इसकी सफलता है तो यहाँ पर आप अपनी इंद्रियों से सोने को महसूस कर सकते हैं और इस सुगंध को आप गतिशीलता के साथ इस प्रकार आप इसको महसूस कर सकते हैं जैसे सोना अपने आकार बदल रहा है और इसके अंदर गुलाब और कमल के फूलों की बूंदे हैं ये एक अंजीर के पेड़ की सुगंध और साथ ही साथ इस सुगंध को इस प्रकार से प्रस्तुत करता है जैसे कि ये विस्तार हो रहा हो आप अपनी ही सुनहरी रोशनी के अंदर विस्तृत हो रहे हैं मुझे देखिए ये हर एक के शरीर के साथ अलग तरीके से ये प्रक्रिया कर सकता है प्रतिक्रिया कर सकता है यहाँ पर ये जो है कई बार आपको लगेगा कि ये शायद महिलाओं के लिए है और ये उस प्रकार है जब एक महिला बिल्कुल सच धज कर आकर कहती है देखिए मैं यहां पर हूं और उसी प्रकार डायनामिक गोल्ड अपनी घोषणा करता है नंबर आठ वेल्दी स्पे और यहाँ पर केवल धन की भावना जो कि सबसे शानदार होती है बहुत ही मूल्यवान सामग्री हो सकती है जो प्रति जो प्राकृति हमें प्रदान कर सकती है तो अब ऐसे कौन से सामग्री है जो कि हम प्रकृति से लेते हैं ताकि हम लोग उसकी ये आत्मा को अपने लिए सजग रूप से इस्तेमाल कर सकें तो यहाँ पर एक सफेद चमेली तेलंग तेल और वायलेट से घिरा हुआ वेटेवर होता है इसमें कस्तूरी का मूल है बर्गोमोट और आयरिस की चमक है और सच्चे धन का द्वार खोलती है ये आपको महसूस कराती है कि आप अभिजात वर्ग से संबंध रखते हैं आयरिस के सूखे नोट की गहराई और महिमा ऐश्वर्य और समृद्धि को उद्घाटित करती है तो ये मुझे बताती है कि अगर हम थोड़ा सा अतीत में चले जाएं हम लोग बहुत पीछे चले जाएं इतिहास के अंदर और हम वाकई में उस समय पे पहुंच जाएं जब सब कुछ बहुत बढ़िया था और एक प्रकार से हर जगह समृद्धि फैली हुई थी तो हम लोग उस सुगंध को महसूस कर सकते हैं तो दोस्तों तो जब आप ये चीजें ये इत्र आप लोगों को लेकर जाएंगे लोगों को दिखाएंगे तो वो इसको नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे अब मैं रेमोन के पास ये मंच वापस सौंपता हूं जो कि हमें बताएंगे कि अब आगे क्या आने वाला है तो धन्यवाद और जी हाँ हम लोग आप सभी का आपका खास तौर से सर जी धन्यवाद और हम लोग दोबारा से मिल रहे हैं और रमौन कह रहे हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई दोबारा वापस आकर और मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि आपको बहुत अच्छे से इन सुगंधों के बारे में आपको बताया गया है और आपको हमारे उत्पादों के बारे में पता चल रहा है ये एक पहला कदम है जो कि आप उस सीढ़ी पर रख रहे हैं जो आपको सुगंधों के माध्यम से आपको स्वर्ग में ले जाएगा तो हम लोग हम लोग इन सुगंधों के साथ काम करेंगे इत्रों के साथ काम करेंगे तो कुछ सुगंध ऐसी होंगी जिसका आप घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं अब आपको यहाँ पर स्लाइड पर दिखाई दे रहा है कि हम लोग बिल्कुल वैसा ही नहीं बनाने वाले लेकिन एक आपको बताने वाले हैं कि ईवो सेंट के हम लोग एक्सेसरीज बनाने वाले हैं और हम लोग चाहते हैं बल्कि मैं ये नहीं कहूंगा कि चाहते नहीं हैं बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग शीर्ष दस ब्रांड में विश्व के शीर्ष दस ब्रांड के अंदर जरूर शामिल होंगे और ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि हम लोग जो सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं जो प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन कलाकारों के साथ हम काम कर रहे हैं इस पृथ्वी के ऊपर जो उत्कृष्ट कलाकार हैं उनके साथ हम काम कर रहे हैं और हम लोग बैग्स बनाएंगे लैपटॉप्स के लिए यात्राओं के लिए जिसमें उच्च सामग्री का इस्तेमाल होगा और अब आप देखेंगे कि हम लोग वाकई घरों के लिए भी सुगंध बनाना चाहते हैं सुगंध ऐसी जो घर में फैल सके और अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप किस प्रकार से अपने ऑफिस को के अंदर जो सुगंध आती है वो किस प्रकार की सुगंध के सुगंध लेना चाहेंगे आप अपने ऑफिस के अंदर ऐसी सुगंध लेना चाहेंगे जो कि आपको वाकई में बहुत खूबसूरती का एहसास दिलाती है तो हम लोग बहुत ज्यादा तो नहीं जाएंगे बहुत ज्यादा सुगंधों का निर्माण तो नहीं करेंगे घरों के लिए लेकिन ये कुछ ऐसी सुगंध होंगी जो कि आपकी जो इंद्रियें हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करेंगी तो आप उसे नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे तो चलिए आइए अब देखते हैं और क्या हमारे पास आभूषण है तो बिल्कुल निश्चित तौर से हम लोगों को सोने का इस्तेमाल करना है और सोने और जो जो हीरे हैं उसका इस्तेमाल करना है तो हम लोग उसके इस कंपनी के माध्यम से हम लोग आभूषण बनाएंगे जो कि एक और विलासता का अंश है तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने वाकई में कुछ ऐसे सुगंध बनाई है ऐसे इत्र बनाए हैं जो कि बड़े बड़े आभूषण ब्रांड के लिए मैंने बनाए हैं मैं उनके नाम नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं गैर प्रकटीकरण समझौते के साथ बंधा हुआ हूं लेकिन जब हम आ, मुझे अभी भी याद है मैंने एक बार जो सेफ्टी बॉक्सेस होते हैं वो मैंने देखे एक कमरे के अंदर केवल और केवल सेफ्टी बॉक्सेस थे और वो केवल और केवल हीरो से भरे हुए थे और जब मैंने उन्हें देखा तो मैं बिल्कुल पागल हो गया ये तो एक प्रकार से खजाना था और वाकई में जैसे आप खजाने में देखते हैं कि आभूषण इधर उधर पड़े हैं हीरे चांदी मानिक पड़े हुए हैं वो मैंने देखा और वाकई में ये विलासता के बारे में मेरी पहली जान पहचान थी आइए अब एक वीडियो देखते हैं और इस वीडियो के अंदर आपको बताते हैं कि क्या क्या मौके हैं जो हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि हम लोग क्या अभी तक हम लोग प्राप्त कर चुके हैं और इसके लिए मुझे आपका धन्यवाद देना चाहिए जब मैं मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मुझे वो साईफाई मूवीज देखने का बड़ा शौक था जहां पर लोग जो थे वो समय की यात्रा करते थे वो समय में पीछे चले जाते थे समय में आगे चले जाते थे

music by richard wagner and a truly great legacy but what if we say that great art can be tangible the very art that instead of being introspective changes reality it brings people together strengthens our image and determines our social status a the Evo Rich Team has entered into a partnership with perfumers in the world Ram Bihar, whose artwork can be found in the most luxurious boutiques on the planet. The best known is his personal brand. Which has already conquered many, many hearts around the world. Right now, we're presenting a unique line of perfumes exclusively for the Evo Rich community, the exceptional Evo Scent Collection. The rich spirit is designed to attract the abundance and prosperity of both the material and spiritual worlds. By putting them together, you will become invincible. Purity and nobility is emphasized by dynamic gold. It shines a new light on a person opening the doors to new opportunities and acquaintances. The intriguing fragrance basalt is imbued with a mysterious and divine essence. The fifth element will bring you closer to the boundaries of the unknown world to make new discoveries and to create. The millennial fragrance rediscovered in the Paradigma perfume will inevitably give rise to reflections. It will make you want to learn more about your companion during the conversation to rediscover each other the perfume tantric imbued with floral fruity and woody hues is designed to awaken sensuality and love of freedom based on serene and spiritual energy the perfume greatness will help you make all your dreams come true and firmly go straight to the top finally evil rich is the core of the entire collection number one strong and flexible at the same time it inspires confidence and belief in a good future. These fragrances have unique characteristics. They strike your senses and change the traditional perception of perfume. They are long-lasting thanks to the superior quality and proportions of the essences. Paired with the individuality of each person, a well-chosen ego-scent perfume will be an unforgettable mark on the person that you negotiate or just contract with. Intrigued? See the quality yourself by purchasing. खरीद कर गुणवत्ता का विशेष रूप से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और परफ्यूमरी की दुनिया में एक वास्तविक कलाकार द्वारा बनाई गई सुगंधों का व्यापक इस्तेमाल और उसको महसूस कर सकते हैं तो दोस्तों अब मैं आपके सामने व्यवसायिक मौके के बारे में बात करना चाहूंगा से कह रहे हैं क्या आप जानना चाहेंगे कि आप किस प्रकार से व्यवसाय प्राप्त करना चाहेंगे और यदि हाँ आप बोनस प्राप्त करना चाहेंगे तो पांच दबाकर चैट में आप मुझे बताएं ताकि मैं देख सकूं कि कितने लोग सक्रिय हैं और कितनी शक्ति से वो इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहेंगे तो तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि कितने पंजीकरण हम कर सकते हैं और कितने हजारों डॉलर हम लोग अपने लिए जुटा सकते हैं तो जो लोग इस नए उत्पाद को बेचना शुरू कर सकते हैं तो वो दिसंबर के अंदर तो जो जानकारी आपको मालूम है जो जानकारी आपको दी गई है ये सारी की सारी चीजें जो है दिसंबर में शुरू होंगी जब हम लोग क्राउड फंडिंग का की शुरुआत करेंगे आप इस स्लाइड के ऊपर देख रहे हैं कि एक बोतल जो है वो एक डॉलर की है लेकिन ये आपके लिए मूल्य नहीं है जो लोग जिन्होंने मुझे पांच दिया है चार्ट के अंदर आपको पचास प्रतिशत छूट दी जाएगी और ये उन लोगों के लिए जो कि क्राउड फंडिंग के अंदर जो क्राउड फंडिंग की प्री सेल्स यानी कि प्री बिक्री की जो चरण है उसके अंदर जो भाग लेंगे और मैं आपको एक और दिलचस्प चीज बताने चाहता हूं कि किस प्रकार से इसका वितरण होगा और इवो सेंट आपको क्या देगा तो इवो सेंट आपको टोकन भी देगा तो आपको मालूम है कि टोकन क्या होते हैं और कुछ लोगों को शायद ना पता हो तो जो लोग योग्य निवेशक हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने सभी पाठ्यक्रमों के साथ जो जो जुड़े हैं या यूं कह लीजिए कि जिनको पता है कि ब्लॉकचेन क्या है सिक्योरिटी टोकन क्या है यूटिलिटी टोकन क्या है और स्टेबल कॉइन क्या है तो ये जो इवोसेंट है आपको टोकन देगा टोकन जारी करेगा और इवोसेंट बहुत शीघ्र टोकन जारी करेगा ये केवल उन्हीं लोगों के लिए उपलब्ध होगा जो कि क्राउड फंडिंग के अंदर भाग लेंगे दिसंबर में और मौजूदा समय के अंदर हम लोग इन हम लोग अभी बोतल के डिजाइन के ऊपर काम कर रहे हैं और क्राउड फंडिंग के बाद हम लोग इन बोतलों का जो उत्पादन है वो शुरू कर सकते हैं उत्पादन शुरू करने से मतलब ये हुआ कि अप्रैल से जुलाई के बीच में 2022 में आप इस इन सुगंधों को अपने घर में प्राप्त कर सकते हैं और इसीलिए आपको 50 प्रतिशत छूट दी जा रही है क्योंकि आपने जल्दी इसके ऊपर काम किया है आपको केवल और केवल 60 प्रतिशत जो है वो दिसंबर में देना है और 40 प्रतिशत आपको शिपिंग से पहले देना है तो यहाँ पर केवल और केवल एक ही शर्त है वो ये कि अगर आप क्राउड फंडिंग के अंदर भाग लेना चाहते हैं तो आपको न्यूनतम चार बोतलों का ऑर्डर देना होगा और इसीलिए हम लोग आपको 50 प्रतिशत छूट दे रहे हैं क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि एक बोतल जो है वो अट्ठानवे डॉलर की होगी और अगर इसको चार से गुना कर देते हैं तो ये लगभग चार सौ डॉलर होगा तो आपको साठ प्रतिशत आपको दिसंबर में देना होगा और चालीस प्रतिशत आपको जब आपकी शिपिंग होने वाली होगी तो टोकन जो जो लोग क्राउड फंडिंग में इस्तेमाल जो भाग लेंगे वो अपनी पहुंच टोकन तक बना पाएंगे और आगे चलकर वो टोकन को वो विनमय कर पाएंगे शेयर्स के माध्यम से यानी कि वो जो टोकन है वो शेयर में परिवर्तित कर पाएंगे बहुत ही बहुत ही कम राशि के साथ क्योंकि हमारी कंपनी जो है वो बहुत शीघ्र जो है वो दुनिया की शीर्ष परफ्यूमरी कमरी कंपनी बनने जा रही है तो आप देखेंगे कि अगर हम स्लाइड के ऊपर बदलते हैं तो यहाँ पर रिच के अंदर आपको जो ये मौका मिल रहा है यहाँ पर आप कम से कम 25 मिलियन नए पंजीकरण कर सकते हैं और यहाँ पर अगर हम बिक्री की राशि की बात करें तो ये दो बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है और ये सभी की सारी की सारी प्रक्रिया जो है वो हमारे एक मुफ्त उपहार के साथ शुरू होती है और जैसा कि सरजी ने कहा कि ये एक जादुई किट है और ये एक ट्रैवल किट जिसको हम बोलते हैं तो यहाँ पर उच्चतम संग्रह है और ये एक एक जो परफ्यूम इसके अंदर है इत्र है आप इसका इस्तेमाल हर रोज कर सकते हैं ये छोटी छोटी बोतलें हैं आप अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं आप इस किट से निकाल सकते हैं और मैं वहां पर इसका ढक्कन खोलकर मैं इसको अपने ऊपर लगा सकता हूं और आपको और कुछ नहीं करना है और यदि जो व्यक्ति जिसको ये चाहिए वो इसका इस्तेमाल करेगा लेकिन अगर उनको ये पसंद नहीं आया तो उनके पास सात और विकल्प मौजूद हैं इन इस इत्र के अंदर कि वो कौन से इत्र का इस्तेमाल करना चाहेंगे आप ये देख रहे हैं कि ये जो ट्रैवल सेट है ये बहुत ही उच्चतम सामग्री से बना हुआ है और यहाँ पर सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ है ये वाकई बहुत बहुत ही बढ़िया ऑनलाइन किट की तरह है एक ट्रैवल सेट है और, की की और वाकई में आप इसको जहां भी यात्रा कर रहे हैं आप ले जा सकते हैं और लोगों के साथ बैठक कर सकते हैं अब आप इसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं मुफ्त में आपको केवल और केवल शिपिंग का प्रभार देना है और ये शिपिंग का प्रभार आपका देश के आपके देश के अनुसार है तो ये पच्चीस डॉलर से लेकर चालीस डॉलर तक जाता है शिपिंग का प्रभार ये बिल्कुल मुफ्त है और ये मुफ्त इसलिए है ताकि आप नए लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें और उनको बता सकें कि ये व्यवसाय किस प्रकार काम करता है तो आप अभी इन इस ट्रैवल सेट को आप इवोसेंट के ऊपर जाकर आप ऑर्डर कर सकते हैं और उसके लिए आपको क्या करना है आपको केवल और केवल वेबसाइट पर जाना है और आपको भुगतान करना है पर एक चीज सुनिश्चित जरूर कीजिएगा वो ये कि आप जो है सभी कदमों का सही आप अनुसरण करें और बिल्कुल भी मत भूलिएगा प्रोमो कोड को ये जो प्रोमो कोड है ये प्रोमो कोड आपकी पहुंच बनाएगा कि आप इस ट्रेवल किट को आप एक उपहार के रूप में मुफ्त प्राप्त कर सके और आपको मालूम है कि ये हर पंद्रह दिन के अंदर इसका मूल्य जो है वो बढ़ जाएगा तो इसीलिए प्रोमो कोड जो है वो पंद्रह नवंबर तक आप इस्तेमाल कीजिए आप इसको मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं और केवल और केवल आपको क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ आपको शिपिंग प्रभार देना है तो आप अपने प्रोमो कोड को को आप दिखा सकते हैं और ये जो प्रोमो कोड है ये तीन कंपनियों द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है तो जब अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो उसके अंदर बदलाव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो इसीलिए आपसे ये निवेदन है कि आप बहुत आराम से शांत होकर सभी जानकारी को भरें तो चलिए आइए आप देखते हैं कि आप दिसंबर में कैसे दस हजार से एक लाख डॉलर तक कमा सकते हैं तो ये जो रणनीति है अभ्यासियों द्वारा दी जा रही है विशेषज्ञों द्वारा दी जा रही है तो आइए गणित करते हैं ये किस प्रकार हो सकता है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कितना आसान है आपको ये संख्याएं प्राप्त करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है तो जो लोग एक हजार लोगों को आप पंजीकरण करेंगे तो जैसे कि मैंने एक हजार नए लोगों को पंजीकृत किया है और यदि आपके पास अनुभव नहीं है लेकिन यदि आप इस व्यवसाय के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान देते हैं तो आप ये बोनस प्राप्त कर सकते हैं और इसी प्रकार क्राउड फंडिंग का आगे निर्माण होगा और अगर आपके सभी पार्टनर जो हैं वो भी आगे जो है दस हजार लोगों को पंजीकृत करते हैं यानी कि एक हजार लोग वो भी पंजीकृत करते हैं और उसमें से हम लोग ये मानकर चलते हैं कि उसमें से दस प्रतिशत लोग जो हैं वो प्री ऑर्डर करेंगे तो आप जो हैं जैसे कि इस स्लाइड के ऊपर आप देख पा रहे हैं कि जो भुगतान है जो दिसंबर में आपको करनी है वो वो आपको अपने एक हजार लोगों की संरचना में से हम ये अनुमान लगा कर चल रहे हैं कि दस लोग जो दस प्रतिशत लोग जो हैं वो क्राउड फंडिंग के माध्यम से इस उत्पाद को ऑर्डर करेंगे और उनको पचास प्रतिशत छूट मिलेगी और ये जो छूट है ये आपको जो मूल्य है वो वो अट्ठानवे दशमलव पांच यूएस डॉलर तक पहुंचाएगा और यहाँ पर आपको केवल बासठ प्रतिशत अभी देना है तो आपको जो इकसठ डॉलर है वो आपको पहले देना है और 38 प्रतिशत जो है वो बाद में देना है अब आइए देखते हैं कि ये जो गणित है ये कहाँ तक लेकर जाता है तो एक हजार आपके नए प्रतिभागी आपके और उसमें से 10 प्रतिशत केवल जो है वो प्री ऑर्डर करेंगे तो यहाँ पर केवल 100 लोग प्री ऑर्डर करेंगे और मुझे मालूम है कि हर कोई भी में से बहुत आराम से आप जो है सौ लोगों को आप साइन अप करा सकते हैं और जो ये, ये सभी सॉयो लोग चार बोतलों को ऑर्डर करेंगे और ऐसी स्थिति में हम लोग इकसठ यूएस डॉलर के रूप से अगर प्रत्येक बोतल के लिए भुगतान करेंगे तो मात्रा के रूप में चौबीस हजार चार सौ ये यूएस डॉलर बराबर बनेगा आप जानते हैं कि हमारी कंपनी में अलग अलग काम करने के लिए आपका अलग अलग पद होता है जितना ज्यादा आप काम करेंगे उतना ऊंचा आपका पद होगा अगर आप सलाहकार हैं तो हमारी विपिन योजना के तहत आप आठ प्रतिशत के हिसाब से लाभ अर्जित करेंगे और अगर लोग आपके माध्यम से क्राउड फंडिंग में जुड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में आप सलाहकार हो जाएंगे और पांच प्रतिशत कमाने की जगह आप यहाँ आठ प्रतिशत कमाएंगे और वो आपको आपकी पहली डाउनलाइन से कमाने का मौका मिलेगा और वो व्यक्ति जो कि हमारी कंपनी में एक शुरुआती व्यक्ति है तो उसकी जो आय है वो बारह इक्कीस यूएस डॉलर बराबर होगा लेकिन अगर आप सलाहकार हैं, तो आपकी पहली पंक्ति से आपकी जो आय है वो एक हजार नौ सौ चौवन डॉलर बराबर हो सकता है और मुझे लगता है जो औस्तन वेतन है उससे काफी ज्यादा है ये मूल्य आ, कई स्पेनिश बोलने वाले लोगों के लिए और बहुत सारे देशों में ये जो वेतन है इस तक तो पहुंच भी नहीं पाता है लोगों का वेतन तो आपको खुद ही निर्णय लेना है आप कहाँ तक पहुंच सकते हैं किस चीज को उपलब्ध कर सकते हैं अगर आपके पास कोई पारंपरिक काम है और उसके हिसाब से अगर आप आठ घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो आपको निर्णय आज ही लेना होगा अगर आठ घंटे आप काम करते हैं और आठ घंटे आप व्यवसाय में लगाना चाहते हैं तो आपकी कमाई कितनी होगी क्या कभी आपने सोचा है कि कम से कम आप तीन लोगों के साथ बात करेंगे इस व्यवसाय को लेके लेकिन दो आठ महीना बारह महीना में या कुछ सालों में क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी खुद की दुकान होगी आपका अपना एक व्यवसाय होगा इस परफ्यूम की दुनिया में हम यहाँ पे इत्र के बारे में, में बात कर रहे हैं और यहाँ तक कि इवर रिच के अंतर्गत भी बहुत सारे उत्पाद हैं ब्लॉकचेन निजी निवेशक अकादमी और हर भागीदार भाग पने का आपकी संरचना का प्रत्येक उत्पाद और सेवा जो की रिच में प्रदान की जा रही है वो आपकी संरचना के माध्यम से बेची जाएगी और इसके लिए कमीशन भी आप प्राप्त कर सकते हैं तो हमने उन कमीशन के बारे में बात की है जो आप में कमा सकते हैं लेकिन अगर हमारे पास केवल दस लोग होते हैं इन सौ में से और वो वो करते हैं जो आप करते हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आज लोग बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं कोविड से आधारित न जाने कितने लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठते हैं और सेंट आज एक बेहतरीन विकल्प है बहुत सारी समस्याओं से जो कि आपको इजाद कर सकता है और भागीदार जो आप ही की तरह काम करेंगे और उनके पास जब एक हजार नए पंजीकरण होंगे तो ये दस हजार भागीदार बनेंगे और दस हजार इनमें से जो लोग पंजीकरण करेंगे वो उसमें से एक हजार नए पंजीकरण लोग होंगे और ये जो संख्या है ये चार हजार अगर पोतलों को जन्म देते हैं और मान लीजिए अगर जो पहला भुगतान किया जाएगा दिसंबर में जिसे हम प्री पेमेंट कहते हैं वो अगर इकसठ यूएस डॉलर है तो यहाँ आपको याद होगा कि जो बचा हुआ चालीस प्रतिशत है उसका भुगतान किया जाएगा शिपमेंट की शुरुआत से पहले तो गणना कुछ इस प्रकार से है कि जो वॉल्यूम आप उत्पन्न करेंगे वो दो टू लाख फोर्टी फोर थाउजेंड से ऊपर होगा तो अगर आप सलाहकार नहीं हैं तो जो आपकी आय होगी इस राशि में से वो सात हजार तीन सौ अट्ठाईस यूएस डॉलर बराबर होगा लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से आप काम करेंगे आप सरलता से सलाहकार बनेंगे और जो आपकी आय है वो उन्नीस हजार पाँच सौ बयालीस रुपए के बराबर होगा बिल्कुल ये सरल है आपके लेकर दिखाना अगर आप केंद्रित होकर के काम करते हैं लेकिन जो तीसरे स्तर के भागीदार हैं वही जो सौ लोग हैं जो तीसरे स्तर पे होंगे अगर वो एक हजार नए भागीदारों को पंजीकृत करेंगे तो कुल मिला के आपके पास एक लाख भागीदार हो जाएंगे और इन एक लाख भागीदारों में से केवल दस प्रतिशत अगर सक्रिय भागीदार हो, तो हमारे पास तीसरे स्तर में दस हजार भागीदार होंगे और मिलकर वो टू मिलियन फोर लाख फोर्टी टू थाउजेंड तक वॉल्यूम का निर्माण करेंगे और आप एक एजेंट के रूप में अपने वेतन को प्राप्त करेंगे यानी सभी पद जो सलाहकार के अंतर्गत होंगे वो दो प्रतिशत के आपकी आय आपको प्रदान करेंगे जहां आप अड़तालीस हजार आठ सौ छप्पन डॉलर की कमाई कर पाएंगे लेकिन अगर आप सलाहकार हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आप नाइन्टी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड ट्वेल्व डॉलर कमाएंगे लगभग जो कि एक लाख डॉलर तक महज एक माह में आपको पहुंचा देगा और एक बहुत ही अद्भुत समाचार भी है उन लोगों के लिए जो कि हमारे साथ काम करेंगे इतने लंबे समय के लिए जब से कंपनी अस्तित्व में है ये जो संख्याएं हैं आप में से कई ऐसे लोग हैं जो कि इस इन संख्याओं तक अपनी पहुंच बनाना चाहेंगे और इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि यदि आपके पास एक नेटवर्क है तो आप कल्पना करें कि आप क्या कर सकते हैं अगर आप इवो रिच का भाग है वो सभी लोग जिनका एक लाख की संरचना होगी और जाने कितने ऐसे लोग हैं हमारी कंपनी में जिनकी संरचना में बड़े आराम से एक लाख लोग हैं तो यानी आप तैयार हैं आपको बस प्रचार करना है इस व्यवसाय का वो व्यवसाय जिसे आप छू सकते हैं जिसके अंतर्गत आप एक लाख यूएस डॉलर महज दिसंबर में कमा सकते हैं केवल उसके लिए आपको अपनी संरचना के साथ बात करनी है और अगर आप काम करते हैं यूट्यूब में फेसबुक में और इसी प्रकार के सामान्य व्यवसायों से व्यवसायों को अगर आप ढूंढते हैं और अगर इस को आप लोगों तक पहुंचाते हैं तो मैं इस बात को लेकर सुनिश्चित हूं कि कोई भी कंपनी का भाग बनने के लिए मना नहीं करेगा और कोई भी खुशी खुशी अः सह मालिक बनना चाहेगा इस कंपनी के तो ये सभी चीजें जो शुरू होती हैं इस ट्रेवल सेट के माध्यम से शुरू होता है तो दोस्तों आप बिल्कुल भी अपने समय को ना गवाए यही वो मौका है जहाँ नए व्यवसाय का जन्म होता है जो कि गुरुओं के साथ निर्माण किया जा रहा है जो ये दिखाते हैं कि बिल्कुल मुमकिन है कि आप 197,000 पे आप एक इत्र को बेच सके और पिछले कुछ समय में रेमोन ने तेरह लोगों को अपनी संरचना में शामिल किया है क्या करना है आपको बस सरलता से लोगों के साथ बात करनी है और जो अगली स्लाइड है वो अंतिम भाग है इस प्रस्तुति का और इस शनिवार को हमें पूरी जानकारी मिलेगी तो आप ध्यान पूर्वक सुने जो गलीना आपसे कहने जा रही हैं गलीना ये मंच आपका है बहुत ही बढ़िया क्या बात है मुझे लगता है कि ये वाकई में एक अद्भुत सुअसर है धन कमाने का कृपया चार्ट में जमा का चिन्ह दीजिए अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो और मुझे लगता है कि हु मनुले जी ने बहुत ही अद्भुत तरीके से सभी संख्याओं को आपको दर्शाया है और जैसे कि कहा जाता है कि हम किस तरह से आज धन कमा सकते हैं और दिसंबर में हम हमारे न्यू ईयर और क्रिसमस का उत्सव मना सकते हैं शैम्पेन के साथ और हमारी जेब में लाखों के साथ तो देखिए हम हमेशा प्रचार करते हैं तो जब हम फिल्म को देखते हैं हम हमारे दोस्तों को बताते हैं कौन सी फिल्म हमें पसंद आई कौन सा भोजनालय हमें अच्छा लगा अब चलते हैं अगली स्लाइड पे और हम बात करते हैं कि हमारा अनुभव कैसा रहा तो आप देखिए जब भी मैं उबर को ऑर्डर करती हूँ तो मेरे पास हमेशा एक वाउचर आता है कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें वो टैक्सी ऑर्डर करेंगे और आपको कैशबैक मिलेगा इसी प्रकार से जब मैं बैंक खाते को खोलने जाती हूँ और अगर वहां बता दू की अगर मैं एक दोस्त को लेकर आऊंगी तो मुझे एक लाख सौ तो यूएस डॉलर मिलेगा कि मैंने उनके बैंक का प्रचार किया है इसी तरह से जो एयर टिकट है अगर वो भी मैं कभी लेती हूँ तो भी अगर मैं उसका प्रचार करती हूँ तो भी मुझे बदले में कभी कभी कुछ कुछ मिलता है तो इसी प्रकार से ये जो रेफरल प्रणाली है इसके अंतर्गत जो उपहार है ये हमारे यहाँ भी है लेकिन कई बार लोगों के कुछ अपने अनुभव होते हैं जिसकी वजह से जिन्हें बहुत ही बुरी तरह से अगर उनके साथ बर्ताव किया गया हो भूत काल में तो उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं हम नहीं ये कमा सकते हैं और बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अगर आप धीमे धीमे चलेंगे तो दूर तक जाएंगे लेकिन देखिए ये बात भी सच्ची नहीं है जितना ज्यादा आप जानते हैं उतना ज्यादा अः जोखिम आपके राह में आते हैं और दूर तक आप जा पाएंगे और दूर तक पहुंच पाएंगे तो इसीलिए आपको इस अवसर को अपनाना चाहिए इन संख्याओं को स्वाभाविक मानना चाहिए और केवल जो वेतन है वो हमारी सीमा बनता है तो जब हम किसी के लिए काम करते हैं तो वो हमारी सीमा की तरह काम करता है और हम शायद कभी भी व्यवसायिक क्लास में यात्रा करने के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं क्योंकि उसके अंदर हमारा पूरी पूरा वेतन लग जाता है और हम ये भी नहीं सोच पाते हैं कई बार कि एक बहुत बड़े महल में जीवन को जिएंगे लेकिन जो संख्याएं आपको हो से ने अभी दिखाई हैं आज आप उनकी ओर देखें ये मौका सभी के लिए है अगर आप एक हजार लोगों को जानते हैं आपकी जो संपर्क सूची में है अगर आप उनको आप अपने फोन में नहीं ढूंढ पा रहे तो फेसबुक पे जाए वहां हजारों लोगों से आपकी मुलाकात होगी अगर वो नहीं तो आपको उन लोगों के समूहों में जाना चाहिए जिनकी सामान्य मानसिकता होती है जो की उन्हीं रुझानों के बारे में अध्ययन करते हैं जैसे सौंदर्य सौंदर्य उद्योग के साथ जो कि ताल्लुका रखते हैं तो आप उनके साथ संपर्क बनाए और उन्हें बताएं कि मेरे को एक नई परियोजना के साथ मेरा संपर्क हुआ है मुझे उसके बारे में पता चला है और जब वो आपसे पूछते हैं कि कैसे आप अपने व्यवसाय का विकास करते हैं तब आप उन्हें अपनी संरचना दिखाएं सरलता से आप ये कर सकते हैं और जो हमारा बैक ऑफिस है इवरिच का वहां पर बहुत ही अद्भुत उपकरण और उत्पाद ऐसे हैं जैसे स्मार्ट कार्ड है आई डिसाइड जो कि आपकी मदद करेगा कि आप अपने समय को बचा सके लोगों के साथ जब आप बात करते हैं और उन्हें बहुत ही अद्भुत सु अवसर दिखाते हैं तो देखिए हमें यहाँ दिखाई दे रहा है बहुत ही अद्भुत हमारी योजनाएं हैं हम उन लोगों के समुदाय का निर्माण निर्माण करना चाहते हैं जिनकी दिलचस्पी इस आला में है और जब हम आ, आपस में एकजुट हो जहाँ पे शैम्पेन का आनंद उठा सकें जब हम खूबसूरत पहनावे में हो जूस हो और जहां हम बहुत ही अद्भुत लोगों के साथ जब बात करते हैं तो मुझे लगता है अपने आप अप में बहुत ही बढ़िया रहता है और जैसा कि मैंने आपको बताया है हमारा जन्म केवल इसलिए नहीं हुआ है कि हम केवल बिलों का भुगतान करें बल्कि हमारा जन्म इसलिए हुआ है क्योंकि हम बहुत ही अद्भुत और दिलचस्प उपकणों का निर्माण करें जिसका बाद में उपयोग किया जाएगा बाकी अन्य लोगों द्वारा तो देखिए अब हमारे पास एक खूबसूरत मौका है जिस क्राउड फंडिंग का और वाकई में ये एक बहुत अद्भुत ऐसा मौका है जहा आप अपने सभी प्रियजनों को ये उपहार प्रदान कर सकते हैं और लगातार हम काम करते हैं ताकि सुनिश्चित कर सकें कि एक भागीदार चार बूतलों को खरीदे लेकिन हम ये अगर करना चाहते हैं तो न्यूनतम जो ऑर्डर है वो चार बोतलों का है क्राउड फंडिंग के माध्यम से लेकिन इसके बाद वो व्यक्ति इसे विभाजित कर सकता है यानी एक बोतल एक बोतल के साथ अपने टोकन जुड़े होंगे और ये आपके सभी माता पिता आपके माता पिता के लिए एक बेहतरीन उपहार होगा जहां आप उन्हें इत्र का उपहार देंगे वो भी टोकन के साथ वाकई में नए साल का ये खूबसूरत तोहफा होगा जो आप अपने प्रियजनों को प्रदान कर सकते हैं कई बार हमने आपको ये भी बताया है कि हम पाठशालाओं को खोलेंगे जहां हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आप इस उत्पाद को प्रस्तुत कर सकते हैं कैसे एक पेशेवर परफ्यूमर आप बन सकते हैं और सभी जो प्रशिक्षक हैं वो पेशेवर होंगे और इसके लिए कृपया करके आप समाचार का अनुसरण करें आप चलते हैं अगले स्लाइड पर और आपको याद दिलाना चाहते हैं हमारे जो ये सत्र हैं बुधवार और शुक्रवार को आयोजित होते हैं जिसके लिए हमने समय को थोड़ा बदला है बुधवार को जो भी सत्र है वो नौ बजे होंगे और शुक्रवार को दोपहर के समय में ये सत्र आयोजित होंगे मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग यूरोप में देर तक रात को काम करते हैं या ऐसे देशों में निवास करते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया में नौ बजे बहुत ही देर का समय है और इसलिए हमारी ये कोशिश है कि हम समय को कुछ इस तरह से आयोजित करें जहां एक सत्र शाम को और एक दोपहर को आयोजित किया जाए हमें आशा है कि इसके मदद से आप जरूर सत्र में शामिल हो पाएंगे और जो एक्शन टेकर हैं इस उत्पाद के उन्हें अतिरिक्त बोनस मिलेगा तो जब आप पंजीकृत करते हैं एक हजार ग्राहकों को वो इवोरिच के साथ जुड़ेंगे जैसे कि हुसे जी ने कहा है कि अगर 10 प्रतिशत इन एक हजार लोगों के अगर सक्रिय होते हैं तो आप पहले से ही बहुत कुछ कमाएंगे और अगर आपके पास पहले से ही आपकी टीम और आपका संरचना है तो उसकी मदद से तो ये कर दिखाना बहुत ही सरल होगा और हर वो व्यक्ति जो कि 50 पंजीकरण कर रहे हैं पहली डाउनलाइन में उन्हें भी बोनस कमाने का मौका मिलेगा और जिस पैकेज का नाम है मिलियन डॉलर भागीदार और वो सभी लोग जो कि 250 पंजीकरण करेंगे और जो हाईएस्ट पैकेज को ऑर्डर करेंगे पहली पंक्ति में वो ढाई सौ यूएस प्राप्त करेंगे पांच सौ पंजीकरण और ऑर्डर करने पर आपको एक हजार मिलेगा इसी तरह से एक हजार पंजीकरण में आपको पांच हजार यूएसटीयू मिलेगा और जी ने आपको जो पहला भाग है उसके बारे में अवगत कराया है जो की बासठ प्रतिशत का प्री पेमेंट है लेकिन जो बाकी बचा है अड़तीस प्रतिशत वो आपको उसका भुगतान शिपमेंट से पहले करना है और वो सभी लोग जिन्हें पता है कि कितना अद्भुत सुअसर है ये और जब आप क्राउड फंडिंग में शामिल होते हैं किस प्रकार के ये टोकन है कौन से चरण में हम आईपीओ करते हैं लेकिन इसी तरह से एक आईसीओ मार्केट है और कैसे ये एक दूसरे से भिन्न है और क्या खूबी है कि आप बाजार में काम कर सकें और इसके साथ और आप लोगों को जो हमारा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है निजी निवेशक अकादमी का, का प्रोफे निवेशक का और जो तीसरी श्रेणी है उसके बारे में भी लोगों को अवगत करा सकते हैं जो कि साढ़े चार सौ यूएस डॉलर की लागत रखता है वहां आपको सब कुछ समझ में आएगा और निवेश की दुनिया के बारे में आप समझ पाएंगे आपको पता चलेगा इस या उस बाजार के साथ कैसे काम करना है और इसलिए सभी सो अवसर अपने आप में बहुत ही महान है तो ये सभी जो भागीदार है ये वो शुरुआती लोग होंगे जो कि सभी नियम और शर्तों को पूरा करेंगे इस प्रचार को लेके और बदले में वो अतिरिक्त बोनस भी प्राप्त करेंगे आठ हजार का और जो पहले पांच भागीदार हैं जिन्होंने एक हजार पंजीकरण किए होंगे वो पच्चीस हजार सीआरयू प्राप्त करेंगे अपने खाते में और मुझे लगता है वाकई में ये महीना है एक्शन टेकर लोगों का ये महीना है जब आपको निर्णय लेना है और हम सभी समूहों को संगठित कर रहे हैं हमारे पास हमारे सभी एक्शन ग्रुप हैं सामाजिक नेटवर्क में जहां आपको सभी लिंक पे मिल जाएंगे इन समूहों तक पहुंच बनाने के लिए और अगर आप हमारे साथ मिलकर इस व्यवसाय का विकास करना चाहते हैं तो जरूर इन समूहों का भाग बने जहां सामान्य सोच के लोगों के साथ आपकी मुलाकात होगी जो इस अवसर को आपके साथ साझा करना चाहते हैं चलते हैं अगली स्लाइड में और वो सभी लोग जो कि अपने भागीदारों को लिखते हैं और हमने इस समय सभी लिंकों को चैट में साझा किया है ये वो सभी उपकरण है जो आपको आपके काम में मदद करेंगे अगर आप हमारे साथ मिलकर व्यवसाय का निर्माण करना चाहते हैं ईवरिच का सदस्य होते हुए आप एक सहमालिक होते हैं आप व्यवसायी बनते हैं और आप एक ग्राहक भी होते हैं आप में से प्रत्येक व्यक्ति अपने आ, एक आला का चयन कर सकता है तो आपको क्या करने की आवश्यकता है सबसे पहले आप इवरिच के साथ पंजीकृत होंगे यानी कि जो प्रत्येक नया भागीदार है उसे सबसे पहले इवरिच के साथ पंजीकृत होने की आवश्यकता है ताकि वो सभी लाभों को प्राप्त कर सके मार्केटिंग प्लान के अंतर्गत या जो भी छूट आपको मिल रही है जो भी मंच आपको प्रदान कर रहा है उसका लाभ आप उठा सकते हैं और इसी प्रकार से आपको अपना रेफरल लिंक भी मिलेगा अपने बैक ऑफिस के अंतर्गत या पार्टनर टूल के अंदर और वहां पे बहुत सारे ऐसे पृष्ठ हैं जो कि अलग अलग उपकरणों से आपको अवगत कराते हैं और साथ ही आप जो हाईएस्ट कलेक्शन संग्रह है उसको भी ऑर्डर कर सकते हैं जिसके अंदर आठ खुशबुए एकजुट होती हैं, जो आपको ये दर्शाता है कि किस प्रकार का ये इत्र है और साथ ही जो भी आपकी संपर्क सूची के अंदर लोग हैं उन्हें आपको जगाने की आवश्यकता है क्योंकि हमें ये सिखाया गया है निजी निवेशक का अकात्मिक एक पाठ्यक्रम में कि हमें ये जानना चाहिए कि कैसे अपनी संपर्क सूची का निर्माण करना है हमें एक्सेल स्प्रेडशीट का उपयोग करना है या एक और फाइल का उपयोग करना है और फिर जो भी टेलीफोन नंबर है उसे लिखना चाहिए आ जो भी हमारे सभी प्रियजन हैं और उनको फोन करना हमें शुरू करना चाहिए यानी पहले दस लोगों को पहले संपर्क करना चाहिए फिर दस बाकी दस लोगों को और खास करके आ, अगर आपने उन्हें नहीं संपर्क किया है तो आप उन्हें बताएं कि इतना लंबा समय हो गया आपसे बात नहीं हो पाई है क्योंकि हमारे पास संपर्क सूची होती है जिसके अंदर सभी संपर्कों का विवरण लिखा होता है और कई बार हम उनसे नहीं बात करते तो बेहतरीन ये मौका है जहाँ आप उन्हें जगा सकते हैं पूछ सकते हैं कि आप कैसे हैं और आप सामाजिक नेटवर्क पे बात कर सकते हैं अलग अलग प्रस्तुति सम्मेलनों का हिस्सा बन सकते हैं तो सबसे पहले आपको जो नए अवसर हैं उनके बारे में टटोलना आना चाहिए और यानि कि जब भी मैं अलग अलग सम्मेलनों का हिस्सा बनता हूँ तो मुझे आभास होता है कि कितना अद्भुत हमारा उत्पाद है कितना बड़ा हमारा समुदाय है किस प्रकार के सुअसर आपको यहाँ मिल सकते हैं जब आप तुलना करते हैं उन सभी सुअसरों के बाजार के सुअसरों में आप देखते हैं कि कोई भी आपको ये मौका नहीं देता है कि आप सभी जो परियोजनाओं के लाभ है उसमें भी भागीदारी दिखा सकते हैं सामान्य रूप से केवल वही लोग होते हैं जो कि शीर्ष पे होते हैं किसी भी संगठन के या परियोजना के केवल वही लोग भागीदारी दिखा पाते हैं लाभों में लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर है उन्हें केवल लाभ मिलता है रेफरल प्रोग्राम के अंतर्गत और हम सह मालिक के रूप में उन उत्पादों का उपयोग करते हैं और मासिक लाभ कमाते हैं तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भविष्य में ये जो परियोजना है कहाँ से कहाँ पहुंच सकती है और सभी उपकरणों के बारे में आपको जरूर अध्ययन करना चाहिए जो भी हम आपको प्रदान कर रहे हैं हमने आपको सभी सामग्री स्क्रिप्ट वीडियो प्रदान किया है अगर आपको ये नहीं पता कि लोगों तक कैसे पहुंच बनानी है तो आप स्क्रिप्ट का उपयोग कर सकते हैं जिस तरह से एंड्रे अपने सभी दोस्तों को लिख देते हैं और साथ ही बहुत सारी मार्केटिंग सामग्री भी है जो कि लोग प्राप्त करना चाहेंगे आ, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अगर पेन प्राप्त करना चाहता है या वॉटर मार्बल का उपयोग करना चाहता है तो आप ये भी कर सकते हैं और बैनर भी हमने आपके लिए निर्माण किए हैं सब कुछ आपके लिए है ताकि आप काम करना शुरू करें और मुझे आशा है कि शुक्रवार को दो या तीन गुना ज्यादा हमारे पास भागीदार होंगे और मुझे आशा है कि हम कई कई लोगों को आपके साथ वहां देखेंगे और इस शनिवार आप बिल्कुल ना भूले कि एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का निर्माण किए जा रहा है के लोगों के लिए और पिछले शनिवार को तो हमने वो सभी उपकरणों को साझा किया जो आप संरचना में देख सकते हैं हम ने हमें बताया कि किस तरह से काम करना है और पहले से जो एक्शन टेकर समूह है हम उनके साथ काम कर रहे हैं जिनके मदद से आप बाकी लोगों के साथ बात कर सकते हैं शुरुआती लोगों के साथ मिलके आप परियोजना तक उनकी पहुंच बनाने में मदद कर सकते हैं उनको बता सकते हैं कि परियोजना में किस प्रकार के उत्पाद है और जो उनकी पसंद के हिसाब से उत्पात है वो चुनने में उनकी मदद कर सकते तो इस शनिवार को आर्मन के साथ जी आ रहे हैं और अपनी सभी तकनीकों और अनुभवों को साझा करेंगे क्यों क्योंकि ये बात है अभ्यास के बारे में आप जरूर हमारे साथ शामिल हो और ये वेबिनार केवल उन्ही लोगों के लिए है जो इवरिज के साथ संबंधित है तो इसका प्रसारण फेसबुक पे या यूट्यूब पे नहीं होगा और जो रिकॉर्डिंग है वो केवल उन्हीं लोगों को प्रदान किया जाएगा जो कि इसके योग्य होंगे दस बजे सुबह और, और आठ बजे शाम को मॉस्को समय पे हम आयोजित करेंगे प्रशिक्षण को तो आज हमने काफी समय आपका लिया है मुझे आशा है कि जो भी जानकारी आपके साथ साझा की गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी आपके लिए जरूर मुलाकात करेंगे शुक्रवार को और शुक्रवार को 12 बजे मॉस्को समय में आप अपने सभी भागीदारों को आमंत्रण कीजिए और हम वहाँ पे आपके साथ सभी उपकरणों और सभी टिप्पणियों को साझा करेंगे धन्यवाद When prosperity descends from the heavens, sublime and absolute. When it carries an infinite call to beauty. When it is charged with the most powerful energy. From the miraculous vortex, imbued with the highest quality, EvoScent is born. This stream surrounds us with the beautiful and the noble. It enhances our vibrations, boosts our self-esteem and confidence, thus inviting us to enjoy all the present moments of life. The consciousness of the universe beckons us to become one. Comes from the top down. It goes from the spiritual to the material, thus transforming the financial energy that has dominated so far. <laughs> such is Evocent, a new project from Evo Rich. It's a new brand forged by a great team of successful creators, die-hard entrepreneurs and great communication professionals with the support of an entire community of successful investors. To create Evocent means to develop an impeccable collection of products in the world of fashion, cosmetics and luxury the ultimate goal is to become a top 10 company in this sector at the global level at the heart of this fascinating project is the renowned perfumer ramon biha at more than 40 years to the world of fragrances and has enjoyed incredible success in his devotion he's considered one of the best perfumers in the world his creations became the best-selling perfumes in the most prestigious stores of the world bought by royalty and Hollywood celebrities, and gained immense international acclaim. EvoScent kicks off with a magnificent collection of high quality perfumes. The highest collection features eight exclusive fragrances that cater to a variety of trends and tastes, capable of satisfying the most demanding needs of the better part of olfactory cultures that make up our community. Eight diverse and at the same time complementary perfumes, united under the brand of sophistication and exclusivity. Which of these fragrances is yours? Maybe all of them, one for every occasion? Give it a try. Join the world of EvoSend.